श्री लालदास जी के धाम हृदय से बीतक का वर्णन करवा रहे हैं। सूरत का प्रसंग आपने सुना, किस तरह से श्री जी कच्छ की रण से होते हुए स्थल मार्ग द्वारा वैरागी वेश में पहुंचे थे घोघा, और उधर से खंबालिया का सुंदर साथ भी घोघा पहुंचा था। वहां से सुहाली पहुंचे और सुहाली से पुनः सूरत पहुंचे। सूरत में मोहनदास अमीन के यहाँ कुछ दिन चर्चा होती है, लेकिन वहां बाधा पड़ने लगी। बल्भाचार्य मत के लोग तरह तरह की बातें शोर शराबा करने लगे कि कहां से नई नई बातें कर रहे हैं। जहां भी ज्ञान का प्रकाश होता है, विरोधी कोई ना कोई मुद्दा लेकर खड़े हो जाते हैं। बल्भाचार्य मत में कट्टरता जहां घोर रूप में छाई हुई थी, वे लोग केवल झगड़ा करना जानते थे। इसलिए श्री जी ने निर्णय किया कि मोहनदास अमीन जी का घर छोड़कर शिवजी भाई के घर चले गए। शिवजी भाई का मकान थोड़ी दूर पर था। शिवजी भाई और अमजी भाई दोनों भाई हैं संग। श्री जी के मुखारविंद से अलौकिक चर्चा सुनकर दोनों अपने जीव को धनी के चरणों में सौंप देते हैं। ऐसे तो ये सुंदर साथ पहले के ही थे। श्री जी ने उनको कहा कि देखो भाई, जब तक गादीपति बिहारी जी महाराज के चरणों में जाकर के प्रणाम नहीं करोगे, तुम्हें जागृत का सुख नहीं मिलेगा, तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं होगी। आज भी वही प्रक्रिया है, क्योंकि उस समय लोक परंपरा थी कि गादीपति बिहारी जी महाराज हैं, जाकर के प्रणाम करो। श्री जी भाई बहुत धनवान थे, वो जाते हैं 5 मोहरे खर्च करते हैं, उनका बहुत स्वागत सत्कार होता है। रामजी भाई गरीब हैं, चना चबेना खाकर बेचारे कितने दिनों के बाद पहुंचते हैं। कोई पूछता भी नहीं, दरबान पहले कह देता कि नहीं महाराज श्री नहीं मिल सकते। बिहारी जी महाराज ने पहले ही भांप लिया था दरबान से पूछ कर कि वो कैसा शख्स है जो मिलने आया है। रामजी भाई के बारे में दरबान ने बता दिया कि दामदनी वो तो मैले कुचले कपड़े हैं, बहुत ही कंगाल व्यक्ति है। बिहारी जी महाराज का आदेश था कि उसको अंदर ही नहीं आने देना। कई दिन तक भूखा प्यासा बेचारा रामजी भाई बैठे रहे, लेकिन अंदर आने की स्वीकृति न मिली। फुट फुट कर रोने लगे कि मुझे कुछ लेना नहीं है, मुझे कुछ खाना नहीं है, मैं तो केवल महाराज जी के दर्शन करना चाहता हूं। बिहारी जी महाराज हमारे गादी पर विराजमान, लेकिन पत्थर भला मोमबत्ती के लोहे से कहां पिघलने वाला है, पिघलता तो मोम है।
जिसने हृदय ही पत्थर का बना लिया, जो सत्ता और धन के बद में ये सोच बैठा है कि सबको दूध करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, वो कभी बिगड़ नहीं सकता। जो जितना ही महान होता है उतना ही विनम्रता लिए हुए होता है, उतना ही उसके हृदय कोमल कहलाता है। इसलिए तो अक्षरातीत परमात्मा को क्या कहते हैं, दया का सागर, प्रेम का सागर। और जो जितना ही पतित होता है उसका हृदय उतना ही क्रूर होता है। रावण का हृदय देखिए, कंस का हृदय देखिए, जरासंध का हृदय देखिए, इनके अंदर दया नहीं, क्षमा नहीं, करुणा नहीं। बुद्ध को देखिए, महावीर को देखिए, या जितने ऊंचे स्तर का संत होगा उसका हृदय उतना ही कोमल होगा। तुलसीदास जी ने भी कहा है, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान कोमल। और वैसे ही श्वेत, जिसमें कोई कालिमा न हो, क्रोध लोभ मोह अहंकार छू न गया हो, सबके कल्याण की भावना करता हो, उसको कहते हैं संत। वेशभूषा से कोई संत नहीं बन सकता। जिसका हृदय मक्खन की तरह पवित्र और निर्मल हो जाए, कोमल हो जाए, परमात्मा की भक्ति में वही सच्चा संत कहलाता है। और महामति जी के धाम हृदय में तो स्वयं अक्षरातीत विराजमान है, वो तो सबके सबको गले से लगाएंगे। लेकिन बिहारी जी महाराज के अंदर परम धाम की आत्मा है, लेकिन वो नींद में है, उनको कुछ भी मालूम नहीं है कि कर्तव्य क्या है। ठुकरा देते हैं, राम जी भाई रोते बिलखते वापस आते हैं श्री जी के चरणों में, कहते हैं कि धाम धनी, मुझे ऐसी अक्षरातीत से कोई लेना देना नहीं है, जिनके दरवाजे पर मैं कई दिन पड़ा रहा, रो रो करके मैंने गड़गड़ा करके प्रार्थना की कि मुझे केवल दर्शन करना है बिहारी जी महाराज का, मुझे अंदर जाने की स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था। और मेरा भाई 5 मोहरे खर्च करता है तो उसको कह दिया जाता है कि तू परम धाम की आत्मा है। पैसे से कोई परम धाम की आत्मा नहीं बन सकता। जिसके अंदर मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले अंधेर, यदि कोई अरबोपति है तो परम धाम की आत्मा नहीं बन सकता। हाँ ये जरूर है, तारतम ज्ञान का प्रकाश पाकर यदि कोई कोरा कोरा जीव भी ब्रह्म सृष्टि जैसा अपना आचरण करने लगे, वो प्रेम में डूब जाए, चितवनी में डूब जाए, तो जहां ब्रह्म सृष्टि का जीव जाएगा, कोरा से कोरा जीव भी वो पहुंचने की सामर्थ्य रखता है। तारतम ज्ञान में इतनी शक्ति है। लेकिन यदि तारतम ज्ञान को कोई ब्रह्म सृष्टि भी ग्रहण न करे, चितवनी करे नहीं, वाणी के ऊपर ईमान न हो, तो भी जीवों की तरह आचरण करने को विवश हो जाती है। बिहारी जी महाराज इसके अंदर प्रत्यक्ष उदाहरण है। रतन भाई की वासना है बिहारी जी महाराज के अंदर, लेकिन उनका व्यवहार कैसा है, बिल्कुल निष्ठुर, जिसमें दया का लवलेस भी नहीं है। उसी तरह से सकमार की आत्मा है औरंगजेब के अंदर, आगे प्रसंग आएगा, निष्ठुरता की मूर्ति बना है। किसी को फांसी पर चढ़ाना है, किसी को सजा दिलवानी है, उसके अंदर भी दया धर्म नहीं है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश ही है जो अंदर के पट खोलता है। ज्ञान का प्रकाश ही उसकी बुद्धि को सही रास्ता दिखाता है कि रे मानो तुझे अब करना क्या है। ज्ञान के अभाव में मनुष्य अंधा होता है, और जब ज्ञान से निर्देशन मिलता है, प्रेम से वो धनी को पाने की डगर पर कदम बढ़ाता है, तो अक्षरातीत मिलते हैं। इसलिए ज्ञान और प्रेम एक ही पंछी के दो पंख है, आत्मा रूपी पंछी के पंख, जिसके जिसके बिना जागने के ब्रह्मांड में जागने का एक कदम भी चला नहीं जा सकता। श्री जी जब ये सुनते हैं कि रामजी भाई का प्रणाम तक स्वीकार नहीं किया बिहारी जी ने, उनका हृदय बहुत ही दुखी होता है। कहते हैं कि रामजी भाई तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रामजी भाई कहते हैं कि धामधनी, मैं तो अब आपके चरणों में ही सब कुछ खोजूंगा, मुझे उस अधिपति बिहारी जी महाराज के पास न भेजिए, न मैं कभी जाऊंगा, और न मुझे उनसे आशीर्वाद लेने की आकांक्षा है। अब श्री जी के मुखारविंद से वाणी चर्चा का प्रवाह चल पड़ता है, दिन रात चर्चा हो रही है। श्री जी के मुखारविंद की अलौकिक चर्चा का शोर पूरे शहर में बढ़ जाता है। भीम भाई और श्याम भाई सूरत नगर के वेदांत के प्रसिद्ध आचार्य हैं। वेदांत का अर्थ क्या होता है, वेदस्य अंत, वेद का निर्णय, वेद कहते क्या है, वो भी चर्चा सुनने के लिए आते हैं। चर्चा जब श्री जी के मुखारविंद की सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये तो सर्वदेशी चर्चा है, हमने तो केवल वेदांत का पक्ष पढ़ा है, इन्होंने तो 6 दर्शनों पर भी बोलना है, गीता पर बोलना है, भागवत पर बोलना है, वेद पर बोलना है, हर विषय पर
इनकी महारत हासिल है और जब सच्चे हृदय से चर्चा सुनने लगते हैं तो भीम भाई की नजर सत्य की परख करने लगती है। कहते हैं श्याम भाई, हम जो चर्चा सुन रहे हैं, अब सुन रहे हैं, ये तो कोई अलौकिक ज्ञान बता रहे हैं। आज तक का हमारा ज्ञान केवल पुरुष प्रकृति तक का था, यानी वेदांत की भाषा में जिसको सबल ब्रह्म कहते हैं। वेदांत ये मानता है कि ब्रह्म का स्वरूप निर्गुण है, वो सारे द्वंद्व से रहित है। जो उसका सबल स्वरूप है जिसको आदि नारायण कहते हैं वेदांत की भाषा में, या ईश्वर कहते हैं, वही सारे जगत का कर्ता धरता है, सृष्टि को नियंत्रित वही करता है, उसी की चेतना का प्रतिभास चिदाभास कहलाता है जो प्राणियों के अंदर जीव के रूप में है। परमात्मा इस जगत के प्रपंच से सर्वथा अलग है, ये जो कह रहे हैं वो तो इस प्रकृति और उसमें लीला करने वाले सबल पुरुष जो अभ्याकृत का स्वाप्निक स्वरूप है जिसको नारायण कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उनसे अलग की बात कह रहे हैं। ये तो उसके भी परे बेहद, बेहद के परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षर अतीत की बात कर रहे हैं। इन्होंने जो बातें कही हैं वो तो बातें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आखिर एक वेदांत का विद्वान है। वेदांत में 555 सूत्र आते हैं जो वस्तुतः वेदों के व्याख्यान ग्रंथों के आधार पर बनाए गए हैं। वेद क्या कहते हैं इसको वेद व्यास जी ने 555 सूत्रों में सरल भाव में व्यक्त कर दिया है। उस जमाने में आजकल की तरह कागज की व्यवस्था थी नहीं, भोजपत्र और ताड़पत्र पर ग्रंथ लिखे जाते थे, इसलिए ऋषि मुनियों ने छोटे छोटे शब्दों में सूत्र रूप में ज्ञान का संकलन किया है। छह दर्शन क्या है, सूत्र रूप में है। अब संसार में वेदांत की मान्यताओं के आधार पर अलग अलग मत बन गए। शंकराचार्य का सिद्धांत है जीव ब्रह्म का एक, यानी अद्वैतवाद। रामानुज कहते हैं विशिष्ट अद्वैत, निम्बार्क अलग कहते हैं, माध्वाचार्य अलग कहते हैं, सबने अलग, और बल्भाचार्य जी अलग बात करते हैं। सबने द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, न जाने कितनी मान्यताएं कर रखी है, और सभी अपने कथनों की साक्षी में केवल वेदांत के सूत्र को प्रस्तुत करते हैं। गीता, उपनिषद और वेदांत, ये तीनों कहलाते हैं प्रस्थान त्रयी। जैसे जैसे आलस्य बढ़ता गया, वेद त्रयी का जमाना खत्म होता गया। वेद त्रयी में, वेद त्रयी किसको कहते हैं, ऋग्वेद में कपिलप है, ऋषिकाएं हैं, ऋचाएं हैं, यजुर्वेद में गद्य रूपी है और ऋचाएं भी हैं, सामवेद में गे रूपी है, यानी गे गायन के रूप में, ऋचा के रूप में और गद्य के रूप में। वेदों की रचना तीन प्रकार से मानी गई है, इसलिए चारों वेदों को तीन तरह की रचनाओं का होने के कारण उसको वेद त्रयी कहते हैं। ऐसा मतलब नहीं कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद से मतलब है, अथर्ववेद में ऋचाएं हैं, यानी चारों वेदों की रचना तीन प्रकार की शैली में मिलती है, इस तीन को वेद त्रयी कहते हैं। गीता क्या है, योगेश्वर श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान जो महाभारत के अंदर संकलित है। वेद व्यास जी ने उस ज्ञान धारा को अपने भावों में व्यक्त किया है जो गीता के रूप में प्रस्तुत है, और सारी गीता का ज्ञान यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 2 मंत्रों पर आधारित है। ईशावस्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन तत्तेन वंजिता महागता कस्य स्वीतरम कुर्वन एव एक कर्माणि जीविषेत शास्ति सुमा एवं त्वयि न नित्वास्ति न कर्म लिपते नरे। इन 2 मंत्रों की व्याख्या में पूरा गीता का दर्शन समाहित है, और जितनी उपनिषद है यजुर्वेद के इसी 40वें अध्याय के 18 मंत्रों की व्याख्या में। वेद एक सागर है, उपनिषद, गीता और दर्शन उनकी लहरें मात्र हैं। इसलिए 4 वेदों के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, और जो 6 दर्शन हैं वेदों के उपांग कहलाते हैं, सांख्य योग, वेदांत, न्याय मीमांसा और वैशेषिक। केवल वेदांत का अध्ययन किया था, आज भी जो वेदांत के विद्वान होते हैं गीता पढ़ लेते हैं, उपनिषद पढ़ लेते हैं और वेदांत के सूत्रों को
व्याख्यान रूप में समझ लेते हैं, अपने को वेदांती कहने लगते हैं। भीम भाई और श्याम भाई ने गुरु शंभुनाथ जी से, उनके गुरुदेव का नाम था शंभुनाथ जी और वो सन्यासी थे, उनसे सारा जाकर वेदांत सीखा था। लेकिन जब श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनते हैं तो चौंक उठते हैं कि जो कुछ कह रहे हैं ये तो उपनिषदों में, दर्शन शास्त्रों में सब कुछ वर्णन है, हम पढ़ते तो थे लेकिन समझ में नहीं आता था कि वो जो अखंड ब्रह्म है, हमने भी पढ़ा है कि वो कहाँ है, त्रिपाद उदयित पुरुष, पुरुषोत्तम में ये मंत्र आता है यजुर्वेद के और अथर्ववेद में भी है, वस्तुतः पुरुषोत्तम चारों वेदों के अंदर आता है। जो छठ जगत है वो कहां से पैदा हुआ है, ब्रह्म के चौथे पाद से, त्रिवी पद्म द्याम आरोह पादस ए अवधपुरा, यानी ब्रह्म का जो चौथा पाद अव्याकृत है वही स्वप्न रूप से बार बार सृष्टि के रूप में प्रकट होता है, और इसके त्रिवी पद्म द्याम आरोह तीन पाद सबले केवल सत्स्वरूप प्रकाश में चेतन और अखंड है। इन्हीं चतुष्पाद को क्या कहते हैं, योग माया का ब्रह्मांड, जहां अखंड ब्रह्म अपनी अखंड शक्ति के साथ लीला कर रहा है। इनके ऊपर क्या है, स्वलीला अद्वैत परम धाम, जिसके लिए वेद में ब्रह्मपुरी कहकर के वर्णित किया गया है, दिव्य ब्रह्मपुर कहकर। मुंडक उपनिषद में कहा है दिव्य ब्रह्मपुरी ही ऐसा व्योम आत्मा प्रतिष्ठित, ब्रह्म कहां है, दिव्य ब्रह्मपुर में है, और हम लोग कहां खोज रहे हैं, सारी सृष्टि के कणकण में। भीम भाई बता रहे हैं श्याम भाई को, श्याम भाई देखो इन्होंने जो कुछ कहा है कि महाप्रलय में ये सारा जगत उस नारायण के संकल्प से जो पैदा हुआ है उसमें विलीन हो जाता है और बाद में कुछ नहीं बनता, नारायण अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि ये स्वप्न का स्वरूप है, इन्होंने अखंड की बात कही है, और अखंड के पार जो अखंड है वहां का अलौकिक ज्ञान दे रहे हैं, जो वेद उपनिषद दर्शनों में बीज रूप से है, हमारे दृष्टि वहां नहीं पहुंच सकती। आज तक जितने भी हमने ज्ञानी जनों से शिक्षा ग्रहण की है किसी ने भी उस सत्य को नहीं पाया है जो अलौकिक की बात कर रहे। वेदांत के द्वादश महावाक्य होते हैं, वस्तुतः ये चार वाक्यों को कहते हैं लेकिन है ये 12 महावाक्य। वैसे नहीं है लेकिन महावाक्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इनमें ब्रह्म की विशेष पहचान है। सो अहम तत्त्वम असि, मैं भी वही हूं जो तुम हो, तत्त्वम असि तू वही है, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, आदित्यम ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, अव्ययम एतत् ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसे ऐसे वेद उपनिषदों के अंश है। जैसे आम ब्रह्मास्मि का भाव क्या लेते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मनुष्य कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, मनुष्य ब्रह्म को जानकर ब्रह्म के तदोगत हो जाता है, जैसे लोहे में अग्नि को डाला जाए, अग्नि में लोहे को डाला जाए तो लोहा भी अग्नि के समान दहकने लगता है, दोनों का स्वरूप एक हो जाता है। उसी तरह से ब्रह्म का साक्षात्कार करके जीव ब्रह्म के तदोगत लौ अग्निवत ब्रह्म के साधन को प्राप्त कर लेता है, उस अवस्था में कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म से युक्त हूं, मेरे और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं गया। कल्पना करें कि ब्रह्म को जानने के बाद वो ब्रह्म ही हो जाता है, लेकिन अनादि ब्रह्म तो नहीं हुआ, अनादि ब्रह्म तो एक होता है, जैसे लोहा पहले लोहा था, अग्नि में जब डाला गया तो अग्नि के समान दहकने लगा, अग्नि से अलग कर दिया जाएगा फिर वो ठंडा होकर के लोहा बन जाएगा। उसी तरह से ब्रह्म से जब तक साधर्मता बनी रहती है तब तक के लिए कथन अहम ब्रह्मास्मि का द्योतक कहा गया है। लेकिन जो अखंड ब्रह्म धाम है, योग माया का ब्रह्मांड या परम धाम, जहां के कणकण में ब्रह्म की लीला है, कणकण में ब्रह्म का स्वरूप है, वहां के लिए कथन है, इस मायावी जगत के लिए नहीं। ये तो द्वैत का ब्रह्मांड है, जड़ प्रकृति की लीला है, असत जड़ और दुखमय ये ब्रह्मांड है, और इसमें अव्याकृत का सपने का स्वरूप नारायण के रूप में लीला कर रहा है, और उसी का अंश सभी प्राणियों के रूप में है, सभी प्राणी नारायण के संकल्प एको बहुश्याम से हुए हैं। वो सोचते हैं कि नारायण ही परमात्मा है, उस नारायण से परे स्वप्न से परे अखंड ब्रह्म कहाँ है, दुनिया की सोच वहां तक नहीं जाती,
सत सुपने में क्यों कर आवे, सत साई है न्यारा, तुम पार ब्रह्म सो परच्या नहीं, तो क्यों उतरोगे पार। सूरत में वही सब वेदांत के किरण उतरते हैं। श्री जी कहते हैं कि ज्ञानी जनों, ये तो बताओ कि तुम सपने के अंदर उस परमात्मा को ढूंढ रहे हो, परमात्मा तो सपने से परे है। जब ये सपना नहीं रहेगा, जब ये सपना उड़ गया तो घमंड है किस ठौर, ये कोई उत्तर नहीं दे सकता। ऊपर तले दसो दिश क्या है, माया का ही ब्रह्मांड, ऊपर नीचे जहां देखे केवल माया ही माया दिखाई रही है। इसको छोड़कर कोई ये नहीं कहता कि इसके परे कब कौन है, कहां है परमात्मा, कैसा है परमात्मा। उपनिषद में साफ कह दिया गया है, न तत्र सूर्योभात, वहां सूर्य नहीं चमकता है, न चंद्र तारकम, चंद्रमा नहीं है, वहां ताराओं का प्रकाश नहीं है, न इमां विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि, ये विद्युत भी नहीं चमकती है तो ये अग्नि कहां। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उस ब्रह्मधाम में ब्रह्म के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता है। तस्य भासा सर्वम इदं विभात, इस संसार में जो सूर्य का चंद्रमा का जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये तो ब्रह्म की सत्ता का प्रकाश है। इनको देखने से आभास होता है कि सूर्य को किसी ने बनाया है, चंद्रमा को किसी ने बनाया है, ताराओं को किसी ने बनाया है, इनका रचनाकार भी अनंत प्रकाश वाला है, लेकिन उसका प्रकाश चेतन है, अनंतमय है, निर्विकार है। और ये जो सूर्य चंद्रमा विद्युत अग्नि का प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये तो जड़ तत्व का प्रकाश है, अग्नि तत्व है। महाप्रलय होगा, न तारागण रहेंगे, न सूर्य रहेगा, न चंद्रमा रहेगा, न पृथ्वी रहेगी, कुछ नहीं बचेगा। इस स्वप्निक ब्रह्मांड से परे जो अखंड अविनाशी चैतन्य स्वरूप है, जिसके लिए वेद ने कहा आदित्य वर्ण तमस परस्ता, तमस से परे है, प्रकृति के अंधकार से जो परे है परमात्मा, एकमात्र वही जानने योग्य है और उसी की आराधना करनी चाहिए। वेदांत के सारे रहस्य कब खुलते हैं, जब तारतम ज्ञान का प्रकाश मिलता है। न खुले अकेले वेद से, न खुले अकेले तारतम, वेद तारतम दो मिले तो खुले अंदर का भर, मीठे अंदर का भर। केवल वेद पढ़कर कोई चाहे कि मैं परमात्मा के बारे में जान जाऊं, संभव नहीं है। और केवल वाणी पढ़ता रहे विश्वास हो जाएगा, लेकिन अंदर से साक्षी तब मिलेगी जब तारतम वाणी के प्रकाश में हम ग्रंथों को देखेंगे, तो लगेगा कि हाँ हमने बिल्कुल सही जगह पकड़ रखी है। अन्यथा देखा देखी पंथ तो चलते हैं। दूसरे धर्म के अनुयायियों को हम देखेंगे, यदि हमें वेद का ज्ञान नहीं है, केवल वाणी पढ़ते हैं, तो ये मन में संशय बना रहेगा कि पता नहीं हमारी बात सच है कि नहीं। ये दुनिया में एक से एक वेदांत के धुरंधर विद्वान है, वे अपनी बात डंके की चोट से कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पंथ उनसे कम जान वाला है। लेकिन यदि हमने वेद भी पढ़ा है, उपनिषद भी पढ़े, दर्शन भी पढ़े, और सबकी फिलॉसफी को हम वाणी के साथ जोड़ करके देखते हैं, लगता है कि सब में एक ही सत्य छिपा हुआ है जो तारतम ज्ञान के प्रकाश में परिलक्षित होता है, तो हमारी अंतरात्मा साक्षी देगी कि अब हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, जहां हमें पहुंचना था, और हमारा ज्ञान सर्वोपरि है। इसलिए कहा गया है, जब वेद और तारतम दोनों का मिलन होता है, तो हमारे अंदर के संशय सारे मिटते हैं। अभी भाई श्याम भाई में यही वार्ता चल रही है। वे दोनों अपने गुरु शंभुनाथ जी के पास भी जाते हैं, और श्री जी जो बातें कहते हैं अखंड धाम की, उसके बारे में पूछते हैं, उसका उत्तर बेचारे को क्या दे, क्योंकि स्वप्न से परे, निराकार से परे, अखंड ब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला की विवेचना कोई भी नहीं कर सकता। तारतम ज्ञान ही है जो बताता है कि परमात्मा का स्वरूप साकार से भी परे है, निराकार से भी परे। दुनिया या तो साकार में भटक रही है या निराकार में भटक रही है। स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा है, इसके बारे में कोई बोल नहीं पाता। इसलिए तो कहा है, अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतर। अद्वैत की व्याख्या कौन करेगा, जिसकी गर्दन नहीं होगी, जिसने स्वयं के अस्तित्व का समापन कर दिया है, वही अद्वैत की व्याख्या कर सकता है, समान प्राणी नहीं। बुद्धि से अद्वैत की व्याख्या नहीं हो सकती। एक ग्रंथन उतरता है, कलिमे देख्या ज्ञान अचंबा, बातन महल रचिये अति सुंदर, चेमा जेजा जिमी न थम्बा,
अंग न इंद्रिय अंतस्करण वाचा ब्रह्म न पहुंचे कोई, यो कहे साख पुरावे सुनते फिर कहे अनुभव होए। श्री जी कहते हैं कि कलयुग में अचम्मा ज्ञान सुनने को मिल रहा है, बातों का एक हवाई महल खड़ा कर रखा, ऐसा हवाई महल जिसमें थंबे है ही नहीं, केवल कल्पना के जगत में विचरण कर रहे। कभी कहते हैं खिनमे कहे सब ब्रह्म है, खिनमे बंजा बहुत मध्य माते मरकट जो करे सो अनेक रूप। एक क्षण में कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरे क्षण कहते हैं कि नहीं ये तो स्वप्नवत है, सब माया है। जिस तरह से मृत तृष्णा का जल होता है, गंधर्व नगर में वर्षा होती है, खरगोश का सिंह होता है, बंध्या के पुत्र का विवाह होता है, जैसी बातें काल्पनिक है वैसे ही ये संसार नहीं है। संसार नहीं है हमने मान रखा है, जब सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है तो फिर ये संसार कहां से आ गया? ब्रह्म में संसार के अस्तित्व की कल्पना हम क्यों कर रहे हैं? जब सब कुछ ब्रह्मरूप है, जो ब्रह्मरूप है उसको मिथ्या माया कहकर के संबोधित क्यों कर रहे हैं? तरह तरह की कल्पनाओं से, तर्कों के जाल से वेदांत के ज्ञान को उन्होंने शुष्क बुद्धि की व्यायामशाला बना दिया है। बुद्धि का कार्य क्या है? विवेचना करना, सत्य अनुसरण करना, लेकिन सत्य ग्रहण करने वाली बुद्धि तो होनी चाहिए, वो बुद्धि प्राप्त होती है साधना से, ध्यान से। ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा, ध्यान के अभ्यास से ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। पुस्तकों के पढ़ने मात्र से केवल जो बुद्धि केवल सोच सकती है, कोई निश्चित नहीं है कि उसकी विवेचना निष्पक्ष हो या सत्य को ग्रहण करने वाली है। यही हुआ, जब से ध्यान की प्रक्रिया हट गई, कोरे वाचिक ज्ञानी पैदा होने लगे, यानी उन्होंने ध्यान साधना की नहीं, बुद्धि का मल हटा नहीं, उन्होंने कुछ ग्रंथों को रट लिया, अपनी तरह सोच बना ली, नए नए मत पंथ निकल गए, इसलिए द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत और न जाने कितने सिद्धांतों की रचना हो गई। जो प्राचीन ऋषि थे वो समाधि अवस्था में सत्य को देखते थे और उसके अनुसार दर्शन की व्याख्या करते थे, सत्य को प्राप्त करते थे। विद्वान में और मनीषी में यह अंतर होता है, विद्वान केवल शब्दों को पढ़ा होता है और मनीषी ऋषि उस सत्य का दृष्टा होता है। कबीर जी ने इसी को कहा है, पाणे मेरा तेरा कहा एक क्यों हुई, मैं कहूं आखन देखू देखी, तू कहे पोथी देखी। तू तो केवल पोथी पढ़ करके बोल रहे हैं और मैं उस सत्य को बोल रहा हूं जिसको मैंने अंतर चक्षुओं से देखा है। एक ऋषि के दो पुत्र थे, उन्होंने ब्रह्मज्ञान के लिए दोनों को भेज दिया कि जाओ तुम परमात्मा की खोज करके आओ। एक योगी के पास गया, ध्यान में डूब गया, और एक विद्वान के पास गया, दिन रात पढ़ना शुरू कर दिया, वेद वेदांग में निष्णात होकर के आया। दोनों आते हैं। जब उस ऋषि ने पूछा तो एक व्यक्ति जो विद्वान के पास गया था उसने धारा प्रवाह संस्कृत में मंत्रों की सूत्रों की छड़ी लगा दी, ऋषि चुपचाप सुनते रहे। दूसरे से जब बोला तो मौन हो गया, कहा कि पिताश्री मैंने जिस सत्य का दर्शन किया है उसको वाणी से नहीं कहा जा सकता है, मैं ध्यान में केवल अनुभव कर सकता हूं। ऋषि मुस्कुराए कि सच्चे सत्य को तुमने ही पाया है। इसलिए कलयुग में क्या हो गया, शब्दों के जोड़ तोड़ में झगड़ा होता है। इसका अर्थ व्याकरण के इस सूत्र से ये होता है, ये होता है, ऐसा करके विद्वान आपस में लड़ते झगड़ते हैं और सत्य को जानते हुए भी सत्य को उजागर नहीं होने देते। इसलिए श्री जी कहते हैं कली में देखिया ज्ञान अचंबा, बातन महल रचिये तो सुंदर चेजा जमीन थम्बा। एक तरफ तो कहते हैं कि ब्रह्म का अंतःकरण नहीं है, अंग न इंद्रिय अंतस्करण वाचा ब्रह्म न पहुंचे कोई, मन वाणी कहीं भी और अंतःकरण से उस ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता। ऐसा कहकर श्रुतियों को की साक्षी भी देते हैं, फिर कहते हैं कि हमें उसका अनुभव भी होता है। महावाक्य बोलते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, यानी मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि तुम भी वही हो, सर्वम खलुदम ब्रह्म, जो कुछ संसार दिख रहे हैं ब्रह्म ही ब्रह्म है। जब सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है तो फिर आपको सुदृश्य घृणा क्यों होती है, मनमुत्र से घृणा क्यों होती है? कोई कहे सबे ब्रह्म तत्त्व अज्ञान कछुए नाही, तो खट शास्त्र हुए कहे को मोहे ऐसी अवत मनवाई। जब सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है तो अज्ञान कहां से आ गया?
ब्रह्मरूप जगत में अविद्या कहां से आ गई, काम क्रोध मद लोभ अहंकार कहां से आ गया, इन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं होता। अब जब इस तरह श्याम भाई भीम भाई दोनों विचार करते हैं तो भीम भाई की नजर खुली, वो अखंड में विचार करने लगती है और पूरे परिवार सहित आकर के श्री जी के चरणों में तारतम ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। इसके साथ ही श्याम भाई जी को भी मान आता है और वो भी श्री जी के चरणों में आकर तारतम ज्ञान ग्रहण करते हैं। पूरे शहर सूरत नगर के सबसे उच्च विद्वान यदि श्री जी के चरणों में आ जाए तारतम ले लें तो तारकत मचना ही था। श्री जी 17 महीने वहां रहते हैं सूरत के अंदर, दिन रात चर्चा का प्रवाह चल रहा होता है। और जब भीम भाई श्याम भाई दोनों ने तारतम ले लिया तो पूरे शहर में शोर मच जाता है और संख्या आने लगती है। इसके साथ ही एक और घटना घटती है, बल्भाचार्य मत के एक आचार्य होते हैं गोविंद जी व्यास, उनको भागवत के 40 प्रश्नों का उत्तर नहीं आता था, उन्होंने उसको नोट कर रखा था। जो ये मोहनदास दलाल अपना एक सुंदर साथ है वो श्री जी के चरणों में आए होते हैं, उससे उनकी संगति होती है और वो गोविंद जी व्यास को लाते हैं कि चलो श्री जी के पास इन प्रश्नों का उत्तर उनकी कृपा से मिल जाएगा, क्योंकि इन प्रश्नों के बारे में ये मान्यता थी कि इन प्रश्नों का उत्तर परमात्मा की कृपा के बिना कोई भी मनुष्य जान नहीं सकता, क्योंकि उसमें अखंड की बातें हैं। जैसे मोह तत्व क्या पदार्थ है, जब सृष्टि नहीं तो पुरुष कहां था, हिरणगर्भ किसको कहते हैं, अखंड जो ब्रह्म का जो स्वरूप है लीला रूप में वो कहां है, कौन बता सकता है। तारतम ज्ञान ही वो कुंजी है जिसे संसार के सारे रहस्यों को उजागर किया जा सकता है, चाहे वेद का रहस्य हो, उपनिषद का हो, दर्शन का हो, गीता का हो, भागवत का हो, कुरान का हो या बाइबल का हो। जैसे एक ग्रंथन आता है, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देख्या, ये संसार सकल है सुपना, तो तुम ब्रह्म क्यों देख्या। श्री जी कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी हो तुम तो कणकण में ब्रह्म को माने बैठे हो, तुम बैकुंठ जमपुरी एक कर देखे तब तो शास्त्र पुराण सब भन्या, सुखदेव व्यास के वचन बिना कौन कहे मैं जान्या। तुमने सुखदेव और व्यास के वचनों को पढ़ा नहीं, क्योंकि सुखदेव और व्यास के वचन जो भागवत में कहे गए हैं पंचाध्यायी रास में एक सबसे महत्वपूर्ण जो 2 श्लोक आते हैं उसको मैंने त्रिधा निलय के दिन भी स्पष्ट किया था, भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मन चक्रे योग माया उपाश्रिता। योग माया में प्रवेश किया, वो योग माया क्या है, वही तो योग माया है जहां अखंड ब्रह्म अपनी अखंड शक्ति के साथ लीला कर रहा है। और काल माया में क्या है, अखंड ब्रह्म नहीं है, यहां ब्रह्म का सबल रूप है, स्वप्निक रूप है, और ये जो प्रकृति है जो इसकी माया है वो माया भी स्वप्निक है। मायाम तो प्रकृति वित्त मायनम तो महेश्वरम, जैसे सूर्य है, सूर्य की शक्ति क्या है, तेजस्विता, चंद्रमा की चांदनी कैसी है, शीतलता, फूल की सुगंध कैसी है, फूल जैसी, सागर की शक्ति क्या है, लहरों के रूप में दृष्टिगोचर होती है। सूर्य से उसके तेज को हटा दीजिए, चंद्रमा से उसकी चांदनी को हटा दीजिए, फूल से सुगंध और सौंदर्य को हटा दीजिए, हाथों से उंगलियों को हटा दीजिए, सागर से लहरों को हटा दीजिए, तो बाकी क्या रहेगा। दोनों अभिन्न है शक्ति और शक्तिमान, जहां अखंड ब्रह्म अपनी अखंड शक्ति के साथ लीला कर रहा है उसको कहते हैं योग माया, और जहां सब कुछ काल रूप है स्वप्न के समान है बदलता रहता है उसको कहते हैं काल माया का ब्रह्मांड। जैसे आपका शरीर हर क्षण बदल रहा है, आप इसको नहीं जानते, 5 साल के अंदर आपके शरीर की काफी संरचना बदल जाती है, कोशिकाओं में और काफी चीजों में, आपके शरीर का हर परमाणु कंपन कर रहा है, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है ये 1,00,000 मील प्रति सेकंड के वेग से अंदर घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। अब आपका
हवाई जहाज भी इतनी तेजी से घूम नहीं सकता, लेकिन हर पदार्थ के अंदर, दीवार के अंदर, शरीर के अंदर जितने स्थूल पदार्थ हैं, सबके परमाणु कंपनशील हैं, अणु कंपनशील हैं, एटम्स कंपनशील हैं, और जितने पदार्थ हैं, क्वार्क्स हैं, पॉजिट्रॉन हैं, जो कुछ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब गतिशील है और उनकी गतिशीलता ही सृष्टि को चला रही है। जिस क्षण गति बंद हो जाएगी, सृष्टि कल हो जाएगा, और इसके कारण हर पदार्थ बदल रहा है। आज बिल्डिंग बनाते हैं, 2 साल तक लगती है कि नहीं है, उसके बाद पुरानी होनी शुरू होती है। आज हम नया नया कपड़ा पहनेंगे, सोने की अंगूठी पहनेंगे, सबको दिखाएंगे कि कितनी सुंदर अंगूठी है, कुछ सालों के बाद उसमें भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। हम छोटी अवस्था में, किशोर अवस्था में कैसा हमारा रूप रंग होता है, 40-50 सालों के बाद कैसा बदल जाता है, 80 साल की अवस्था में कैसा बदल जाता है। परिवर्तन तो पल पल होता रहता है, लेकिन हम स्थूल आंखों से उस परिवर्तन को जांच नहीं कर पाते। परमात्मा कैसा है? अपरिवर्तनीय, परिवर्तन से रहित है, उसके स्वरूप में जीर्णता नहीं आती, अखंड है, एक रस है, और जहां ब्रह्म है वहां माया का स्वरूप कभी नहीं आ सकता। सुख व्यास ने क्या कहा है? सुख व्यास ने कहा है कि उस अखंड योग माया में महाराज की लीला की थी, जहां अखंड पूर्णिमा का चंद्रमा उगा हुआ था। सुख मुनि बानी बोल्या वेदांत, सो इनो क्यों समझी जाए, होसी प्रकाश प्रकट निज बुद्ध का, सो श्री महामति देसी बताए। सुखदेव ने वेदांत की वाणी बोली है, और वेदांत जो कहता है कि ब्रह्म माया से परे है, वेद कहते हैं आदित्य वर्ण तमसा परस्तात, तमस से परे है। आखिर तमस से परे वो कहां है? जहां सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्रमा का प्रकाश नहीं, अखंड ब्रह्म ही प्रकाशमान हो रहा है। तत् सुब्रह्म ज्योतिषाम ज्योति यत आत्मविदो विदुः, वो ज्योतियों का ज्योति है जिसको आत्मज्ञानी जानते हैं। भागवत के कोई रहस्य तो तारतम ज्ञान के प्रकाश के बिना कोई जान ही नहीं सकता। गीता में अक्षर 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 अतीत क्या है कौन बताएगा? चार वेदों के रहस्यों को कौन बता सकता है बिना तारतम ज्ञान के? वेद के एक मंत्र में कहा गया है, 5 में परब्रह्म है, परब्रह्म में 5 है। जिसके पास तारतम ज्ञान का प्रकाश न हो वो क्या करेगा? सोचेगा कि 5 तत्वों में परमात्मा है और परमात्मा में 5 तत्व है। सूरज में अंधेरा कहां से होगा? लेकिन दुनिया कहती है सूरज में अंधेरा है और अंधेरे के कण कण में सूरज व्यापक है। यही है कली में देखा ज्ञान अचंभा। श्री जी कहते हैं, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा। बैकुंठ में तो सुख ही सुख है और यमपुरी में दुख ही दुख है। तुम बैकुंठ जमपुरी एक कर देखी, तब तो शास्त्र पुराण सब भन्या। यदि यमपुरी के कणकण में भी ब्रह्म है तो तुम यमपुरी में जाने की इच्छा क्यों नहीं करते? क्यों बैकुंठ की इच्छा करते हो? क्यों मुक्ति की इच्छा करते हो? कोई इत्र को तो अपने शरीर पर लगाता है, क्या मलमूत्र को भी अपने शरीर पर लगाता है? कहेंगे कि दुर्गंध आती है, तो क्या वो ब्रह्मरूपता उसमें नहीं नजर आती? शंकराचार्य जी से यही भूल होती है। शंकराचार्य जी उपदेश तो दे रहे थे वाराणसी की गलियों में, काशी में घूम घूम करके, अथ अर्ध श्लोकेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटवी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म न एव अपरः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है, जीव अब्रह्म दो ही नहीं है। सामने से एक चंडाल अपने कुछ कुत्तों के साथ आता है, और इधर से गंगा स्नान करके शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। सामने चंडाल को खड़ा देखकर शंकराचार्य कहते हैं, चंडाल हट, मुझे जाना है। चंडाल मुस्कुराने लगता है, कहता है कि आचार्य कौन हटे? ब्रह्म के सामने से ब्रह्म हटे या चंडाल हटे? शंकराचार्य चुप। चंडाल पुनः पूछता है कि सूर्य का प्रतिबिंब गंदे नाले में भी के जल में भी पड़ता है, और सूर्य का प्रतिबिंब गंगा जल में भी पड़ता है, तो क्या सूर्य दोषी हो जाता है? उसका आशय क्या था? कि मेरी चेतना के अंदर नारायण का प्रतिबिंब पड़ा है, लेकिन मेरी चेतना ने चंडाल का निम्न वर्ण वाला शरीर जो काला कलुटा है वो धारण किया है। आपके अंदर जो नारायण की चेतना, सबल ब्रह्म की, ईश्वर की चेतना है का प्रतिभास है,
उसने ब्राह्मण का तन धारण किया है जो खूबसूरत है, लेकिन अंदर की चेतना तो वैसे ही है। शरीर चंडाल का हो सकता है, शरीर ब्राह्मण का हो सकता है, मुझे निषिद्ध कर्म करने पड़ रहे हैं कर्मों के फलस्वरूप। और आपका जन्म उच्च कुल के ब्राह्मण में हुआ है, आप विद्या से संपन्न हैं, तो आप कहते हैं कि मेरे सामने से हट, क्या मैं, मेरी अंदर की चेतना इतनी पवित्र है आचार्य, जब आप ये कहते हैं कि ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, जब सब कुछ आपको ब्रह्म रूप दिखता है तो मैं आपको चंडाल कैसे दिखने लगाऊं। शंकराचार्य के पास कोई जवाब नहीं था। शंकराचार्य को क्षमा मांगनी पड़ी कि चंडाल भाई मेरे से भूल हो गई, तो मुझे क्षमा करो। आज यही प्रश्न सबके सामने खड़ा है। चारों पुरियों के शंकराचार्य इसलिए बन है कि इन्होंने धर्म का प्रचार करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं करते। कुछ समय पहले पुरी के शंकराचार्य थे निरंजन देव तीर्थ, उन्होंने रूढ़िवादिता की हद कर दी, उन्होंने सरेआम घोषित किया कि ब्राह्मण के सिवा किसी को भी संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्र और स्त्री को तो वर्जित किया ही, क्षत्रिय और वैश्य को भी वर्जित कर दिया। पूछा जाए यदि उनकी बात मानी जाए तो राम और कृष्ण तो अनपढ़ ही रह जाते, सारे राजा महाराजा अनपढ़ ही रह जाते, और जब स्त्री पढ़ ही नहीं सकती फिर उनकी माता भी तो संस्कृत नहीं पढ़ सकती। जो संस्कृत पढ़ नहीं सकता, वेद शास्त्र पढ़ नहीं सकता, तो माता जब शूद्र है तो पुत्र ब्राह्मण कैसे बन सकता है। लेकिन इतना विवेक कहां से आए, कुप मंडुकता ने इस देश को ग्रसित कर रखा है, सारी समस्याओं की जड़ में अशिक्षा है, धर्मांधता है और कर्मकांडों का थोपना है। जब तक शुद्ध हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं हो, अंतर के विवेक से देखा न जाए, तब तक धर्म के नाम पर चलने वाली मान्यताएं लगभग 75% वेदों से उल्टी होती है। आज हिंदू समाज नवग्रहों की पूजा कर रहा है, पेड़ों और पत्थरों की पूजा कर रहा है, नदियों और पहाड़ों के बीच में भटक रहा है। दीपावली के बाद चले जाइए, दीपावली के आसपास चित्रकूट में भगवान रामचंद्र जिस पहाड़ पर रहा करते थे, आज उसकी पहाड़ की परिक्रमा करने के लिए लगभग 1 लाख लोग आज से 15 साल पहुंचते थे। आज कितनी संख्या पहुंचती है मुझे नहीं मालूम, कितना अंधविश्वास है। आखिर भगवान राम उस पर्वत पर रह गए, पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं, जो भगवान राम ने जो आदर्श बताए उन आदर्शों पर चलने का प्रयास नहीं किया जा रहा। और चित्रकूट में जाइए तो आप किसी के पास जाएंगे तो पहले पूछेगा तुम्हारी जाति क्या है। यदि आप धर्मान नहीं है, सामान्य वेशभूषा में जाए तो पहले आपको किसी भी आश्रय में जाति पूछी जा सकती। आज क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 20 साल पहले ऐसी भावना थी। कहने का से क्या है, जहां केवल जड़ पूजा है, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, विवेक नहीं, वहां केवल अंधकार छाया रहता है। और इसलिए श्री जी ने तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में सारे संसार को ऐसा अलौकिक ज्ञान दिया है जिसके द्वारा संसार के सारे ग्रंथों के रहस्य खुल सकते हैं। अब जो मोहनदास दलाल गोविंद जी व्यास को लाते हैं, श्री जी तीन को तीन से समझाया, भागवत के जो 40 प्रश्न होते हैं उनको श्री जी भागवत के रहस्यों को खोलकर भागवत के प्रमाणों से समझा देते हैं कि देखो भाई मोह तत्व किसको कहते हैं, अहंकार का स्वरूप क्या है, हिरण का रूप पुरुष क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, अखंड ब्रज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है। सारे प्रश्नों का जब समाधान हो जाता है तो गोविंद जी व्यास भी श्री जी के चरणों में आकर के तारतम्य ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। तब दज्जाल के लश्कर के, दज्जाल का लश्कर कौन है, जो अंधकार में चलते हैं, जो ज्ञान की राह में बाधा बने, चाहे वो कितना भी विशिष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, वो दज्जाल कहलाता है। दज्जाल करत कछ ऐसा, अंदर करत दखल, दोस्त को दुश्मन करे फिर आए देवी सब अकल। हमारा हानि, हमारी हानि, हमारा लाभ किसमें है इसे वंचित कर दे, हमारे और धनी के बीच में पर्दा खड़ा कर दे, वो दज्जाल कहलाता है। मन जिसको दज्जाल कहते हैं, मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते
तो दाएं बाएं देखते हैं, किसको देखना होता है, कहीं दज्जाल तो नहीं आ गया। उनको कह दिया गया है कि नमाज पढ़ते समय दज्जाल को रोको। उन्हें दाएं बाएं देखने की एक प्रक्रिया अपनानी है। जब अल्लाह ताला का ध्यान करना है, उनकी बंदगी करनी है, तो एकाग्र मन से करो, लेकिन दाएं भी देखेंगे, बाएं भी देखेंगे, ऊपर भी, और तरह तरह की कसरत करनी पड़ती है। वहां के लोगों के लिए तो ठीक है। अरब में जब मोहम्मद साहब का अवतरण हुआ, अरब की जनता सत्य से कोसों दूर थी। उनको मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए इस सारे नियम बनाए गए। लेकिन आज के युग में कोई ध्यान साधना भी करता हो, उसको तुच्छ कहना और अपने शरीयत की इस बंदगी नमाज को सर्वोपरि कहना, ये कोरा पक्षपात है। नफ्सों से, इंद्रियों से जो भक्ति होती है वो मत शरीयत है। फर्ज बंदगी चाहिए, करे हक से दूर, और बंदगी रोकी करे हक की नजीक। नमाज तो 6 तरह की होती है, कहीं नमाज 6 विध की, 2 शरीयत, 1 तरीकत, 2 हकीकत और 2 बका मार्फत। मार्फत की नमाज कौन पढ़ता है? केवल ब्रह्म सृष्टि। हकीकत की नमाज कौन पढ़ेगा? केवल ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि। जिस सृष्टि में कोई बिरला होता है जो तरीकत की नमाज पढ़ता है, यानी दिल से भक्ति करता है, शरीयत की नमाज में तो उठना बैठना है, दाएं बाएं देखना है, और जो तरीकत की नमाज है उसमें कोई भी बंदगी नहीं। सूफी फकीर पूरी पूरी रात जागते हैं, रात्रि के 9 बजे से लेकर प्रातः काल के 2 बजे 4 बजे तक ध्यान करते हैं और दिन में सो लेते हैं। नमाज पढ़ने वाले लोग जो शरीयत वाले हैं, लाउड स्पीकर पर शोर मचाएंगे कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला के हम ही सच्चे बंदे हैं। ये दुनिया को दिखाने वाली बंदगी है, जिसको कहते हैं फर्ज बंदगी, जाहिरी, सबको पता चल जाती है। सूफी फकीर न रोजा रखते हैं न नमाज पढ़ते हैं, और जो सच्चा सूफी फकीर होगा वो कभी हज में भी ज्यादा रुचि नहीं रखेगा, क्योंकि उसका अल्लाह ताला उसके दिल में बसता है। कलूबे मुमनीन अरसे मनस्थ। और जो शरीयत वाले हैं उनके लिए कलमा, रोजा, नमाज, हज और जकात, यही सब कुछ हो जाता है। जाहिरी जो बंदगी करने वाले हैं वो अपनी आय का 40वां भाग देते हैं, यानी 39 भाग अपने पास रखते हैं। हकीकत की राह मानने वाले, जो तरीकत की राह मानने वाले, क्या कहते हैं कि 39 भाग हमने दे दिया, 1/40 भाग अपने पास रहते हैं। और हकीकत वालों ने हक लज्जत आई मोमिनों जिन दूनी करी मुर्दार, उनके लिए अपना कुछ होता ही नहीं है, जो कुछ होता है अल्लाह ताला का होता है। लेकिन शरीयत वाले अपने से आगे किसी को नहीं मानते, ये उनकी मानसिकता होती है। कर्मकांडी व्यक्ति कर्मकांड के बंधनों से अलग नहीं हो पाता, वो सोचता है कि मेरे जैसा राज्य से प्रेम करने वाला कोई नहीं, और यही चीज उसको कभी भी सत्य की प्राप्ति करने नहीं देती। अब ये दज्जाल के लश्कर के लोग कौन है? बल्भाचारी मत के लोग, जैसे कि मैंने उस दिन भी कहा था, अभी अपने कीर्तन भी सुना कि गर्म माहे क्यों न गलिया। ये बल्भाचारी मत के लोग एक तरफ जहां राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, दूसरे तरफ उनका प्रसाद नहीं खाते कि हम तो ब्राह्मण हैं, एक यादव का जूठा हुआ क्यों खाए। यदि तुम परमात्मा के साथ भी जाति पाति के बंधन मानते हो तो कैसी तुम्हारी भक्ति। जिस ब्रह्मा जी ने कोट जतन ब्रह्मा करता कि सो जूठन नहीं पाए, आप ब्रह्मा से तो बड़े नहीं हो, लेकिन ब्रह्मा जी जिस प्रसाद के लिए तरसते हैं उस प्रसाद को आप भरे चौराहे पर बेचते हो। आज भी जाकर देखे वृंदावन में या जहां भी बल्भाचारी मत के गढ़ हैं, वहां की ओर कट्टरवादिता, अपने को सबसे बड़ा समझना, वही छूतछात का प्रपंच। और इसलिए श्री जी ने जब उनको गोविंद जी व्यास को तात्म ज्ञान का प्रकाश दिया, बल्भाचारी मत के लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए, बहुत उपद्रव होने लगा। कोई भली बुरी कहने लगे, कोई श्री जी को बहुत बुरा कहता है, कोई आवे लड़ने, और कोई लड़ने भी आ जाता है। याद रखिए,
यदि आप सत्य का प्रकाश करेंगे तो आप ये असहमत कीजिए कि दुनिया आपको अच्छी करेगी। जब दयानंद जी का संस्थार्थ हो रहा था वाराणसी में, एक तरफ अकेले ऋषि दयानंद कमर में लंगोटी भरे और दूसरी तरफ काशी के 15,000 पंडितों के साथ, 15,000 की संख्या काशी नरेश मुनि के साथ। सारे पंडित जब हारते गए तो जनता को उकसा दिया गया कि इनके ऊपर जूते चप्पल फेंको, और जनता ने जूते चप्पल फेंकना शुरू कर दिया, क्योंकि जब ज्ञान नहीं तो क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। इसलिए जिसके पास ज्ञान नहीं होगा वो क्या करेगा, अपशब्द बोलेगा, झगड़ा करने को तैयार होगा। कमजोरी, जो कमजोर व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपनी कमजोरी दर्शाता है कटु शब्दों के द्वारा। और इसलिए श्री जी से लड़ने के लिए लोग आते हैं कि कहां से नया ज्ञान ला दिया, कि अखंड ब्रज अलग है, अखंड रास अलग है, नई नई फिलॉसफी गढ़ लेते हैं और तरह तरह की बातें करने के लिए वो लोग आकर श्री जी से लड़ते हैं। इनकी निंदा जो करे, और कुछ अच्छे लोग भी होते हैं कहते हैं कि ये तो अलौकिक महापुरुष हैं, जो इनकी निंदा करेगा उसका नाश हो जाएगा। संसार में हर तरह के लोग मिलेंगे, आप कहीं जाएंगे किसी भी समाज में सभी लोग अच्छे नहीं होते और सभी लोग बुरे नहीं होते। इसलिए किसी स्थान को, किसी समाज को बिल्कुल बुरा नहीं कहा जा सकता और पूर्णतया शुद्ध भी नहीं कहा जा सकता। काबुल में गधे भी होते हैं, ऐसे नहीं कि केवल घोड़े ही होते हैं। हर व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। हाँ, समय का प्रभाव होता है। हमारा उद्देश्य होता है, कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही है, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। शुभ में आजकल तो बहनों को कुछ करना नहीं पड़ता, गांव में आज भी सुख का सहारा लिया जाता है। सुख में बहने जब अन्न को साफ करती हैं, जो कच्चा अन्न होता है वो नीचे गिर जाता है, जो पक्का अन्न होता है उसी में रह जाता है। यानी सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। हमें अपने विवेक से निर्णय करना चाहिए कि क्या सत्य है क्या असत्य, और अंतरात्मा की साक्षी लेकर सत्य को मानना चाहिए और असत्य को छोड़ना चाहिए। बिहारी जी इन समय, इस समय बिहारी जी ने देखा कि ये तो गजब हो गया। सूरत का सबसे बड़ा जो आचार्य था, आचार्यों का वर्ग, भीम भाई, श्याम भाई और बल्भाचार्य मत के भी आचार्य श्री मिहिराज के चरणों में चले गए। मेरे पास तो कोई आता नहीं, इसलिए एक काम करना चाहिए कि मिहिराज से समझौता कर लेना चाहिए। अब अपने आप पत्र लिखते हैं, याद रखिए मित्रता और बैर बराबरी से किया जाता है। कमजोर व्यक्ति को संसार रहने नहीं देता। जब श्री जी बिहारी जी को गाधिपति अक्षरातीत मानकर नतमस्तक होते रहे, बिहारी जी ने जरा भी संबंध रखना उचित नहीं समझा। अब श्री जी के पास अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी तो बिहारी जी महाराज खुद समझौता करना चाहते हैं। अब उन्होंने पत्र लिखा कि देखो महाराज, धर्म हमारा उज्जवल बना रहे है, इसलिए तीन नियमों का पालन होना आवश्यक है। एक नियम क्या है कि मेरे और तुम्हारे सिवा कोई दूसरा तारतम ना दे, और नीची जाति वालों को तारतम नहीं देना है, और एक विधवा स्त्री को तारतम नहीं देना है। तीन बातों का यह नियम पालन किया जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बिहारी जी महाराज को पता चल गया था कि रामजी भाई को मैंने स्वीकार नहीं किया तो इन्होंने अपने पास रख लिया है, रूपा को भी रख लिया है। धारा भाई के बारे में भी उनको पता चल गया था कि धारा भाई को भी मिहिराज ने अपनी शरण में रखा है। उनको बुरा तो बहुत लग रहा है कि जिस चीज को मैं निकालता हूं उसको ये रख लेते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। और जब ये बात कही थी तब श्री जी ने कलश किताब भेज दी थी। सूरत में कलश गुजराती का अवतरण हुआ था और उस कलश गुजराती में लिखा है कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती, तय प्रेमी रवाणु रंग, सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। परिणाम क्या हुआ था जब बिहारी जी ने पढ़ा तो कहा कि ये तो कलश नहीं क्लेश है, मैं इसको नहीं मानता।
यानी तुम अपने अपने मन से कविता बना लेते हो और ये सारी बातें कर लेते हो। अब उन्होंने तीन नियम बनाए जो मैंने अभी आपको कहा। एक तो निजी जाति को तारतम नहीं देना है, विधवा को नहीं तारतम देना है। उन्होंने सोचा कि मैं धामधनी, मैं जीते रहूं तो कोई विधवा कैसे हो सकती है। यानी जो विधवा है जब उसका धामधनी मैं हूं तो फिर विधवा को तारतम लेने की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि आत्मदृष्टि तो खुली नहीं थी, सांसारिक दृष्टि समझ रहे थे कि मेरा शरीर ही अक्षरातीत है। श्री जी ने उसका उत्तर लिखकर भेजा कि बिहारी जी महाराज, एक तो आपने कहा है कि निजी जात को तारतम नहीं देना है, ये बात मैं कभी भी नहीं मान सकता। परमात्मा की सृष्टि में तो सभी बराबर है, और सतगुरु धनंजय देवचंद जी ने पहले ही कह दिया था कि परमधाम की आत्माएं चारों वर्णों में उतरी हैं, उन्होंने जाति पात को नहीं देखा। जो आपने ये भी लिखा है कि विधवा को तारतम नहीं देना, तो खोजी बाई तो विधवा भी थी और यवन मुस्लिम महिला भी थी, उसको परमधाम की आत्मा जानकर रई बाई की आत्मा थी उसके अंदर, जब उनको तारतम दे सकते हैं तो आप ये नए नए नियम क्यों बनाते हैं कि किसी विधवा को तारतम नहीं देना है या किसी नीच जाति को तारतम नहीं देना है। क्योंकि ये तो बैकुंठ वाले भी मानते हैं कि जो भक्ति की राह पर चलता है उसकी कोई जाति नहीं होती। बोलचाल में कहावत कही जाती है, जात न पूछिए सादगी, पूछ लीजिए क्या। कभी भी साधु महात्मा की जाति नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन कलयुग में सब उल्टा हो रहा है। महात्मा लोग भी अपनी जाति वाले का पक्ष लेने लगते हैं। वैसे तो जो संन्यास लेता है उसके लिए नियम है कि वो अपने अतीत को भूल जाए, किस जाति का है, किस स्थान का है, सबको भुला दे, किस माता पिता का पुत्र है, अपने पुराने नाम तक को भुला दे और केवल परमात्मा के चिंतन में लगे रहे। ये भारतीय संस्कृत का नियम है। लेकिन जब साधु महात्मा भी जाति पाति को लेकर भेदभाव करने लगते हैं तो प्रश्न खड़ा होता है कि कैसा संन्यास है। संन्यासी का मतलब क्या, जिसको ब्राह्मण और शूद्र में भेद ना हो। विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणे गृहस्थिन सुनिच्चा एवं सुपाकिचा पंडिता समदर्शिना। सन्यासी का पद तो बहुत ऊंचा है। जो गृहस्थ पंडित यानी विवेकवान पंडित का अर्थ वो नहीं जो जन्म से पूजा पाठ कराता हो। शरीर से कोई पंडित नहीं होता, शरीर से कोई ब्राह्मण नहीं होता, शरीर से तो सभी शूद्र है। पंडित की उपाधि क्या होती है, महाभारत में पंडित के लक्षण लिखे हैं और गीता भी यही तथ्य दर्शा रही है कि ब्राह्मण विद्या और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण में और चंडाल में, गाय में और कुत्ते में, जिसको भेद प्रतीत न होता है, जिस चेतना को ब्राह्मण के अंदर देख रहे हैं उसी चेतना को वो चंडाल के अंदर देख रहा है, जो ब्राह्मण और चंडाल को एक दृष्टि से देख रहा है। कुत्ता अपवित्र जानवर है, गंदगी भी गंदगी में रहता है और आपको मालूम ही है उसका रहन सहन क्या होता है। कुत्ते को और गाय को जो एक धरातल पर रखे, यानी कुत्ते और गाय में भी, गाय के अंदर पौराणिक मान्यता है कि सारे सारी दिव्य शक्तियों का वास होता है, गाय को सबसे पवित्र जानवर माना जाता है। जो गाय और कुत्ते को, ब्राह्मण और चंडाल को एक धरातल पर देखता है वही पंडित कहलाने का अधिकारी है। सन्यासी के लिए तो कहा गया है वेद के अंदर जो 40वां अध्याय है वो ईसा वास्य उपनिषद कहलाता है, जो सभी उपनिषदों की आधारशिला है। तत्र कह मोह कह शोक यो एकत्वम अनुपस्यत। जो सब में एक चेतना को देखता है वो मोह और शोक से रहित आत्मज्ञानी होता है। यदि हमने सन्यास के भगवे वस्त्र भी धारण कर लिए हैं, हमारे अंदर से जाति परंपरा नहीं छूटी है, जो ब्राह्मण सन्यासी है वो ब्राह्मणों का पक्ष लेना शुरू कर दिए, कोई मारवाड़ी महात्मा है वो मारवाड़ियों का पक्ष लेना शुरू कर दिया, कोई वैश्य है तो वैश्यों का पक्ष लेना शुरू कर लिया, तो समझ लीजिए कि ये महात्मा अभी नहीं बने हैं। शरीर से महात्मा है, बुद्धि बल से महात्मा है, ये आत्मज्ञानी नहीं है, ब्रह्मज्ञानी नहीं है। जिसकी ब्राह्मी दृष्टि हो जाएगी वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की परिधि से सबसे परे हो जाएगा। इसलिए जब तक ये भेदभाव के बंधन बने रहेंगे तब तक समझ लीजिए कि वो व्यक्ति अज्ञानी है,
एक बार जब सन्यासियों में मेरी उम्र लगभग 18 वर्ष के थे, सीतापुर जिले में नैमिष सारणी पड़ता है, किसी ने बताया कि कोई एक महात्मा रहते हैं, वहां मैं गया। उन्होंने जाते ही पूछा, भगवेधारी महात्मा तो थे, पूछा तुम्हारी क्या जाति है। मुझे हंसी आ गई, मैं चुपचाप चला आया। फिर एक जगह मैं किसी यज्ञ में गया हुआ था, चंचल जी के गुरुदेव ने यज्ञ करा रखा था, दस नाम संन्यास ये किसी परंपरा में एक रहने वाले एक महात्मा थे, वैसे तो वो वैष्णव थे, रामानुज वैष्णव, वो आए हुए थे, वेदांत के दर्शन के विद्वान थे। पूछे तुम्हारी क्या जाति है, मैं कुछ बोला नहीं, गुस्से में आकर पूछते हैं किम सोपाको वसी, तो मैंने भी कहा था कि सोपाको ये वसी यानी चंडाल हो, तो मैंने भी कहा था कि हाँ मैं चंडाल ही हूं। कहलाने को सन्यासी और पहला परिचय पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है, तो सन्यासी किस लिए बने हो। कहने का तात्पर्य क्या है, जिनकी चर्म दृष्टि नहीं हटी वो महात्मा कहलाने के योग्य नहीं है। श्री जी यही बात कह रहे हैं कि बिहारी जी महाराज, आप ये जो संकुचित दृष्टि से आप क्यों नीच जात और ऊंची जाति का बंधन लिए बैठे हो। विधवा कोई हो गई तो शरीर से तो उसका पति नहीं है, आत्मा का पति तो सबके हृदय मंदिर में निवास करता है, इसलिए आपकी ये बात बिल्कुल झूठी है कि नीचे जात को तारतम नहीं देना और विधवा को तारतम नहीं देना, आत्मा के लिए कोई बंधन नहीं है। जो तीसरी बात आपने लिखी है कि मेरे और तुम्हारे सिवा अन्य कोई भी तारतम न दे, ये भी बात मैं नहीं मानूंगा। परम धाम की आत्माएं कहां कहां भटक रही है, मैं और आप कब तक जगाते फिरेंगे किसको, शरीर की तो एक सीमा है, शरीर सबका छूटता है, आपका भी शरीर पूरा हो जाएगा। यदि हमारे और आपके सिवा कोई दूसरा तारतम ही नहीं देगा तो इसका प्रकाश आगे कहां तक फैलेगा। इसलिए नियम यह होना चाहिए कि जिसके पास भी ज्ञान का प्रकाश आ गया वो अवश्य तारतम ज्ञान दूसरों को दे सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गुरुवर धारण कर ले। गुरु का अर्थ होता है अंधेरे से उजाला में उजाले में ले जाने वाला। सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु कौन है, जो अक्षरातीत है वही सबके सतगुरु है, और वही किसी न किसी आत्मा के धाम हृदय में उन्हीं की कृपा विराजमान होकर के सुंदर साथ को परम धाम की राह दिखाती है। लेकिन सबको लक्ष्य कहां रखना चाहिए, हमारी आत्मा का प्रीतम है अक्षरातीत, हमारी आत्मा का सतगुरु कौन है अक्षरातीत। लेकिन आजकल अजीब सी परंपरा हो गई है जो हमने संसारी लोगों को देख करके बना ली है, हमारे समाज में भी कान फूंक कर मैल साफ करने की प्रक्रिया चल गई है। ये कैसी अंध परंपरा, कान में फूंक मारने से भला ज्ञान का प्रकाश होगा, हृदय में ज्ञान को की ज्योति जलाइए तब तो हृदय से माया का अंधकार भगेगा। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि कान में फूंक मारी जाए, और जैसे दुनिया वाले कह देते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु और तुम मेरे शिष्य, गुरु और शिष्य में तो पिता पुत्र में संबंध होता था प्राचीन काल में, शिष्य का अर्थ क्या होता है, जो अनुसरण करता है। बोलचाल की भाषा में एक शब्द बहुत हल्का लगता है जिसको कहते हैं चेला शब्द, ये अंधकार का सूचक है। गुरु और शिष्य में जहां पिता पुत्र की तरह आत्मीयता होनी चाहिए उसकी जगह एक सत्ता के स्वरूप ने ले लिया, इसको कहते हैं गुरुडम। गुरुडम यानी गुरुवाद, गुरुडम अंधकार में ले जाता है और आत्मिक संबंध अखंड परम धाम की राह दिखाता है। सच्चा पथ प्रदर्शक ये वह होता है जो ये सोचता है कि मेरे पास जो ज्ञान का जिज्ञासु आया है उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो, यदि मेरे पास पूर्ण करने की सामर्थ्य नहीं है तो प्राचीन काल के ऋषि मुनि कह देते थे कि अमुक व्यक्ति के पास चले जाओ वो तुम्हारी ज्ञान की जिज्ञासा पूर्ण कर देंगे। लेकिन आज क्या बना रहता है कि मेरे बाड़े की भेड़ कहीं भटक कर किसी और के पास नहीं चल रही, ये गुरुडम पूरे समाज के लिए घातक होता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, हमारा हृदय जितना उदार होगा, जितना हम ज्ञान का प्रकाश करेंगे, जितना सबके हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाने की हमारी ललक होगी,
हमारे ऊपर भी उतना ही परब्रह्म की कृपा होगी। इसलिए कहा है नित के ग्रंथों में, अपूर्वा कोसो अयम वितते तो भारत व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। जितना खर्च करेंगे उतना ही ये धन बढ़ता है और जितना इसको बचा कर रखेंगे उतना ये कम होता जाएगा। इसलिए ज्ञान को छिपाइए नहीं, ज्ञान को बांटिए, लेकिन अपने हृदय को विशाल करके। आपने किसी से ज्ञान लिया तो आप भी तो किसी के शिष्य हुए, फिर गुरुवाद कहां से। हाँ, जिसे ज्ञान मिलता है, ज्ञान ग्रहण करने वाले को चाहिए कि उसका आजीवन सत्कार करे, लेकिन मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी बना रहे हैं तभी वो ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, वेश्या से भी सीखा। एक दिन देखा कि वेश्या अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है, करते करते उसका प्रेमी नहीं आता है, रात हो जाती है। अब उसको ग्लानी होती है कि जितनी व्याकुलता से मैं अपने शारीरिक शरीर के प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही हूं, उतनी व्याकुलता से उस प्रियतम परमात्मा की मैं बाट देखूं तो मेरे हृदय मंदिर में क्यों न बस जाए। उसकी स्थिति को देखकर दत्तात्रेय ने मान लिया कि ये मेरे गुरु है। उन्होंने अजगर से भी शिक्षा ली, देखा कि अजगर शांति से बैठा हुआ है, उसको कोई हाय तोबा नहीं मची है, आज मैं क्या खाऊं, आज मैं क्या खाऊं। सोचा कि जो उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की खोज में निकला है उसको भी धैर्य रखना चाहिए। जब एक स्थिर बैठे रहने वाले अजगर का पेट भर सकता है तो हमारा भी काम चल सकता है। चींटी से भी शिक्षा लेगी, चींटी कितने छोटे छोटे कणों का संचय करती है, उसी तरह से ज्ञान के रत्नों का हमें संचय करना है। सबसे शिक्षा ले, सर्प से शिक्षा लेते हैं कि सर्प केचुली को छोड़ने के बाद ही शांति पाता है। वैसे जब तक विषयों का दामन हम पकड़े रहेंगे तब तक हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। जिज्ञासु के लिए तो हर जगह शिक्षा ही शिक्षा है, कहीं से भी शिक्षा मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। कलयुग में एक अंध परंपरा छा गई है, कहते हैं कि अपने गुरु को छोड़कर किसी और से ज्ञान लोगे तो तुम नरक में जाओगे, और अपना मंत्र किसी को सुना दोगे तो मंत्र की शक्ति चली जाएगी। दोनों ही बातें अंधकार मूलक है। सांख्य दर्शन का एक सूत्र है सट पदवत यानी भौरा। जैसे भौरा अनेक फूलों से पराग चूसता है, उसी तरह से ज्ञान के जिज्ञासु को चाहिए कि प्रत्येक आत्मज्ञानी से ज्ञान का संकलन करे, वो इस तंत्र में न फले फंसे। भौरा कभी सोचता है कि मैं केवल कमल के फूल पर ही मर रहूंगा, चमेली के फूल से भी सुगंध ले लेगा, कमल से तो लेगा ही, गुलाब से भी ले लेगा, कहीं से मिल जाए, केवड़े से भी मिल जाती है सुगंध, उसको भी ले लेगा। इसलिए ज्ञान एक अगाध सागर है, जहां से ज्ञान की रश्मियां मिलती हो उससे हमें अपने हृदय को प्रकाशित करना चाहिए, और जो ज्ञान हमारे पास नहीं है उस ज्ञान को ग्रहण करने में अपने पास आने वाले जिज्ञासु की सहायता करनी चाहिए, न कि एक सीमा रेखा बांध देनी चाहिए कि मुझको छोड़कर किसी और को गुरु बनाओगे तो तुम नरक में जाओगे। ये तो केवल अर्थ साधना के लिए कहा जाता है। इसलिए कलयुग में ये अंध परंपराएं जो दी गई है कि कान में मंत्र कहना ताकि कोई दूसरा न सुन ले, क्योंकि यदि सब जान जाएंगे तो हमारे दीक्षा देने का महत्व क्या रह गया। इसलिए अपनी दीक्षा को बड़ा बनाने के लिए, अर्थ संग्रह के लिए तरह तरह के उल्टे सीधे कानून बना दिए जाते हैं कि मेरे सिवा कोई दूसरा दीक्षा देने ही न पावे। लेकिन दीक्षा देकर अहम पालना कि मैं गुरु बन गया हूं, ये सबसे बड़े अंधकार का कारण है। अधजल गगरी छलकत जाए, ये क्या कहावत का क्या अर्थ है? अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। मनुष्य को कितना भी ज्ञान हो जाए कभी ज्ञान के क्षेत्र में अपने को पूर्ण नहीं मानना चाहिए। यही समझना चाहिए जैसे सागर के किनारे बैठकर अथाह सागर की जलराशि को हम देखते हैं और उसमें से एक गिलास पानी भर लेते हैं, वैसे ही हमारे हृदय में थोड़ा सा ज्ञान आया है। जिसने अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से मान लिया कि मैं पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया है, वो अंधकार में होता है। एकमात्र ब्रह्म है जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानने की इच्छा शेष नहीं रहती। पूर्ण कौन है? मात्र ब्रह्म। पूर्ण से आपका मिलन हो जाएगा, आपके हृदय मंदिर में प्रीतम परब्रह्म हो जाएगा, तो पूर्ण से संयुक्त होकर आप पूर्ण हैं।
मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से नाय तो कहे धनी बराबर जो मूल स्वरूप है धाम के वाय। जैसे अभी बिजली इस कक्ष में आ रही है, यदि इसका तार काट दिया जाए और बल्ब कितने भी अच्छे लगे हों, बटन दबाएंगे तो क्या बल्ब जल पाएगा? क्योंकि जो ट्रांसफार्मर से बिजली आ रही थी और ट्रांसफार्मर में पावर हाउस से बिजली आ रही थी, वो बिजली है ही नहीं तो बल्ब अकेला क्या करेगा। जिसने अपनी आत्मा का तार प्रीतम परब्रह्म के अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, अनंत आनंद से जोड़ रखा है, जब तक उस प्रेम की रसधारा आती रहेगी, ज्ञान की रसधारा आती रहेगी, तब तक वो पूर्ण है। क्योंकि पूर्ण से जुड़ने वाला पूर्ण हो जाता है। लेकिन पूर्ण परब्रह्म से अपने को अलग करके ये सोचता है कि मैंने इतना पढ़ लिया है कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, वही धोखा खा जाता है। सबसे बड़ा ज्ञानी वो जिसे अपनी अज्ञानता का बोध है, जो अपने को ज्ञान के सागर में एक बूंद मानता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाता है। जो अपने ज्ञान का अहम रखता है और ये मानता है कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, वो वास्तव में ज्ञानी नहीं होता। श्री जी के पाते में लिखते हैं कि बिहारी जी महाराज, आप जो कहते हो कि मेरे और तुम्हारे सिवा कोई और ज्ञान नहीं दे सकता, ये आपकी बात मैं किसी भी कीमत पर नहीं मानूंगा। तीनों नियमों का जवाब भेज देते हैं और कलश किताब भी जो मैंने पहली बात बताई साथ में भेज दिया कि देखिए राज जी की कृपा दृष्टि से ये कलश किताब मेरे तन से उतरी है और इसको पढ़ लीजिए। उसमें जो लिखा था कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती, ताई प्रेमी रमानु रंग, सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दे अपने हाथ। सब सुंदर साथ को जगाने की शोभा मैंने महामती इंद्रावती को दे रखी है। और जो महामती पर फिदा होता है, समझ लेना चाहिए कि वो मेरे ऊपर फिदा हो रहा है। और बिहारी जी कहां से सहन कर सकते हैं? वो तो समझ रहे हैं कि ये मेरी गति को चुनौती दे रहा है। जब महामती सब कुछ है तो गादी पर मुझे बैठा कर धाम धनी कहना तो मेरे साथ धोखा किया जा रहा है, मुझको छल में रखा जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि ये कलश किताब नहीं है, ये क्लेश है। और मिराज जो आपने रूपा को रख रखा है, धारा भाई को रख रखा है, रामजी भाई को रख रखा है, ये मुझे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। अब बिहारी जी महाराज क्या उत्तर देते हैं कि मैं तो देखा हूं कि तुम्हारी आत्मा ही परम धाम में नहीं है, मैंने तुमको क्या कर दिया है, धाम से निकाल दिया है, मैं कौन हूं, अक्षरातीत। और जो अक्षरातीत का आदेश नहीं मानेगा उसको परम धाम में रहने का कोई अधिकार नहीं। उसको चौपाई से सुनिए, तुम नहीं हमारे साथ में, तुम हमारे साथ में अब नहीं हो, हम काढ़े तुम्हें इस धाम, मैंने तुमको परम धाम से निकाल दिया। आज भी वही मान्यता है। सुंदर साथ के अंदर कितना भय है, यदि गादीपति महाराज रूठ जाएंगे तो हमें परम धाम नसीब नहीं होगा। मूल संबंध को तो अच्छा तीत भी नहीं तोड़ सकते। कोई काम खुदा से न हो ही ऐसो न कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका भी नहीं जो हक से भी न हो, वो क्या है, राजी न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अनंत है। अनंत में अनंत न घट सकता है न बढ़ सकता है। सुंदर साथ के पास यदि ज्ञान के चक्षु हो जाए तो केवल वाणी को प्राथमिकता देगा और अक्षरातीत को प्राथमिकता देगा। आज वाणी किनारे हो गई, प्राण नाची किनारे हो गए, व्यक्ति विशेष स्थान विशेष के प्रति श्रद्धा हो गई, अपने अपने गुरु की बात को महत्ता देना, प्राण नाची को छोटा कर देना या समकक्ष बता देना। कोई भी परमंश, कोई भी व्यक्ति प्राण नाची के समान न हुआ है, न है, न हो सकेगा। वाणी में स्पष्ट लिखा है, कोई दूजा मर्द न कहावे एक मेहंदी पाक पूरन, खेलसी रस मिल जागनी 36,000 सजन। जो 36,000 ब्रह्मात्माओं के साथ लीला कर रहे वो कौन है, अखरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिब जमा श्री प्राणनाथ, जिनको पौराणिक भाषा में विज्ञा अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहते हैं और जिसको महेश्वर तंत्र और पुराण संहिता की भाषा में सचिदानंद परब्रह्म कहा गया है। लेकिन जिन्होंने इस रहस्य को नहीं समझा वो क्या करते हैं, वो अंधकार में भटकते रहते हैं। बिहारी जी महाराज कहते हैं कि महाराज अब मेरा तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं, मैंने तुम्हें परम धाम से निकाल दिया है। पाती श्री जी के पास आती है,
श्री जी उस पत्र को पढ़कर चिंतन में डूबे हैं, ये क्या हो गया, मुझे ही सुंदर साथ में से भी बाहर निकाल दिया गया। यदि इनके अंदर परम धाम की आत्मा है, राज्य का जोश है, राज्य की कुछ भी मेहर होती तो ऐसा तो नहीं करते। जो पहले उन्होंने धाराभाई को निष्ठुरता से ठुकराया, राम जी भाई कई दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे, बिलख बिलख कर प्रार्थना किए, प्रणाम तक इसलिए स्वीकार नहीं किया कि वो गरीब थे। क्या गरीब होना अभिशाप है? यदि अक्षरातीत केवल धनवानों का है तो अक्षरातीत कैसा? अब तो मैंने जब उनका साथ लिया और मैंने पहले ही कह दिया कि लूला पंगला जो कोई साथ इंद्रवती न छोड़े वाको हाथ। लूला किसको कहते हैं? जिसके हाथ न हो उसको लूला कहते हैं। पंगला किसको कहते हैं? जो लंगड़ा हो। लूला लंगड़ा का मतलब जो समाज में प्रभुत्वशाली व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? हाथ वाला है। और जो बहुत निम्न स्तर का उसका जीवन हो, इतना गरीब हो, झोपड़पट्टी में रहता हो, निम्न जाति का हो, जिसको कोई पूछता ना हो, उसको क्या कहते हैं? लंगड़ा। यानी इसको अपने जीवन यापन का भी आधार नहीं है। श्री जी ने पाती में लिखा था कि बिहारी जी महाराज, लूला पांगला जो कोई साथ इंद्रावती ने छोड़े वाकुआत। आप ने रामजी भाई को ठुकराया, रामजी भाई गरीब है, उसको मैंने हृदय से लगाया है। धारा भाई को आपने ठुकराया, सबके बीच से बहिष्कृत किया, उसको मैंने अपने हाथ से लगाया है। मैं कभी भी इनको छोड़ नहीं सकता। सच्चिदानंद परब्रह्म दिल से बधा हुआ है, दौलत से नहीं। भगवान हीरे मोती के मालों में नहीं रहा करते, भगवान सोने चांदी के मंदिरों में और मूर्तियों में नहीं रहा करते। आप हीरे मोती का मंदिर बना दीजिए, मस्जिद बना दीजिए, गिरजाघर गुरुद्वारा बना दीजिए और इससे कहें कि आकर के बैठ जाओ, वो नहीं बैठेंगे। जब मिलेंगे तो पवित्र दिल में ही मिलेंगे। इसलिए वाणी में साफ कह दिया है, चंडाल हृदय निर्मल खेले संग भगवान, दिखावे नहीं काहू को गोपरा क्या। चंडाल कहने के लिए तो चंडाल है, लेकिन वो अपनी भक्ति का दिखावा नहीं करता। उसने माथे पर तिलक नहीं रंग रखा। माथे पर तिलक से चित्रकारी कर लेना, गले में लकड़ी की माला डाल लेना, ये कौन सी भक्ति है? ये तो हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जो माला नहीं पहन सकता, यदि कोई चंडाल माला पहन ले, लोग कहेंगे कि चंडाल होकर के तुम माला पहन रहे। महापुरुष कौन होता है जो सबको गले लगाए? महावीर स्वामी संन्यास लेने जा रहे थे, उनका नाम था वर्धमान। उस समय 30 वर्ष की अवस्था है, राज घराने के थे, राजमार्ग से जा रहे थे, सारे सैनिक उनके आगे पीछे घूम रहे थे, राजपुरुष उनके दाएं बाएं चारों तरफ घेरे खड़े थे। अचानक एक चंडाल सामने से सड़क पर आ गया, सब लोग उसको भगाने लगे। वर्धमान महावीर दौड़ते हुए गए और उस चंडाल को गले से लगा लिया कि नहीं, इसको न भगाओ। वही वर्धमान सबके आराध्य बन गए, जैन मत के 24वें तीर्थंकर। बुद्ध ने कोढ़ियों के घाव धोए, ईसा ने कोढ़ियों के घाव धोए, और पत्थरों की पूजा करने वालों ने, टन टन पू पू करने वालों ने क्या किया? शूद्र को मंदिर में घुसने नहीं देना, स्त्री को घुसने नहीं देना, छूत छात का प्रपंच बनाए रखा। परिणाम क्या हुआ? वो जहां से चले थे जिंदगी भर वहीं रह गए। आगे कौन बढ़ेगा? जिसकी आत्मदृष्टि होगी, जो कर्मकांडों की परिधि को पार करेगा, जो अपने हृदय मंदिर में बैठे हुए प्रीतम को नहीं पा सकता, तो मंदिर में पाने बैठे हुए परमात्मा को भी वो नहीं पा सकेगा। मंदिर तो एक स्थान है जहां सबको एकत्रित किया जाता है, घूम फिर कर तो सबको अपने दिल में ही खोजना पड़ेगा। जिसका हृदय भावों से भरा नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें प्रीतम का प्यार है। केवल दिल में प्रेम भरिए, भाव नहीं है तो आप हीरे सोने की ईंटों से मंदिर बना लीजिए, हीरे जगमगा दीजिए, कभी भी तो निकट न आवे नाथ जी, कभी प्रीतम नहीं बसेंगे। आप अपने अर्स्तिल में सज्जा बना लीजिए, किसकी? ऐसी सज्जा तैयार कीजिए जिसका पलंग ज्ञान का हो। बिछौना किसका बिछा दीजिए? ईमान का।
और उस पर फूल किसके रख दीजिए? वीरा का। तकिया किसका रख दीजिए? समर्पण का। चादर किसकी ओढ़ लीजिए? श्रद्धा का। देखिए अक्षरातीत आते हैं कि नहीं? अक्षरातीत की भी शक्ति नहीं है कि आपके धाम हृदय में ना आए। लेकिन इससे अलग होकर हम सोचते हैं कि केवल पैसे के बल पर सुंदर मंदिर बना लेंगे और राज्य को बुला लेंगे तो राज्य कभी नहीं आएगी। दुरात सुदूरे तद एव यह अंत की चाह। वो दूर से भी दूर है और निकट से भी निकट। यदि आपका दिल पवित्र है, प्रेम से भरा है, तो इतने निकट है कि प्राण की नली से भी ज्यादा निकट। पर्दा तो ही गलत है अंतर न आड़े हो। तामदेव ने साफ कर दिया है, जैसा बाहर होते जो होए ऐसा दिल, तो अदखिल पीव न्यारा नहीं माहे रहे हिल में। हम बाहर खोजते फिरते हैं, इतने लाख का कलश चढ़ना है, इतने का ये चढ़ना है, आखिर यदि दिल पवित्र नहीं हुआ तो सब बेकार हो जाता है। इन समय सब साथ ने, अब सुंदर साथ ने देखा कि आज श्री जी कुछ चिंतन में डूबे हुए हैं। क्या कारण है? जो मुखमुख सुंदर साथ थे आकर पूछने लगे कि श्री जी क्या कारण है, आप क्या सोच रहे हैं? श्री जी बताना नहीं चाहते थे लेकिन बता ही दिया, ये पत्र पढ़ लो। भीम भाई ने पत्र पढ़ा, कहा कि श्री जी ये हमारा मामला है, ये आपका मामला नहीं। आप तारतम्य हमें देते हो और कहते हो कि जाओ बिहारी जी महाराज को गादी पर बैठाना है, बैठे उनको जाओ को प्रणाम कराओ तो तुम्हारी आत्मा जागृत होगी। हम इन बातों में फंसने वाले नहीं है। हम निर्णय करेंगे कि हम किसको माने, हमारी आत्मा किसके चरणों में जाए, बिहारी जी महाराज की ये आपके, इसका निर्णय अब आप नहीं करेंगे। सब सुंदर साथ को भीम भाई ने इकट्ठा किया और कहा कि सब सुंदर साथ जी मेरी बात सुनिए और अपने अपने विचार रखिए। बिहारी जी महाराज ने एक को भी आज तक तारतम्य नहीं दिया, किसी को ज्ञान सुनाकर उसकी आत्मा को जागृत नहीं किया। श्री जी जिस चीज को तारतम्य ज्ञान से जागृत करके उनके पास भेजते हैं उसको निकाल देते हैं। रूपा को निकाला, धारा भाई को निकाला, रामजी भाई को निकाला, और अब उन्होंने श्री जी को भी कह दिया है कि श्री जी के अंदर परमधाम की आत्मा नहीं है और परमधाम में भी से भी मैं बाहर निकाल लूं। तो आखिर हम कब तक इस छल के शिकार होते रहेंगे? हमें मालूम है तेज वाणी ने तेज चर्चा प्रेम धनी रसल। जैसा सतगुरु धनी देवचंद जी के मुखारविंद से चर्चा सुनने को मिलती थी, वैसी ही चर्चा श्री जी के मुख से हमें सुनने को मिल रही है। और हमारा दिल कहता है, हमारा अनुभव कहता है कि साक्षात अक्षरातीत श्री मिहिराज के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है? सबने एक स्वर से कहा कि भीम भाई हम तो तैयार हैं, इस श्री जी के दबाव से मजबूर होकर हमें बिहारी जी महाराज को मत्था टेकने के लिए जाना पड़ता था। हमें तो वो चाहिए जिनके हृदय में अक्षरातीत बसे हों। रूही की गादी पर बैठा हुआ व्यक्ति अक्षरातीत कभी नहीं हो सकता। आज देश में यही अंध परंपरा खाई जा रही है। सतगुरु महाराज कि एकमात्र पुत्र है बिहारी जी महाराज, परमधाम की आत्मा भी है, लेकिन गादी पर बैठने से जब बिहारी जी के ऊपर नहीं मेहर हो सकती, सतगुरु महाराज अपने सुपुत्र पर भी मेहर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेहर मूल स्वरूप के द्वारा होती है। मूल स्वरूप ने निर्णय कर लिया है कि महाराज के तन से जागनी होनी है। सतगुरु महाराज स्वयं चाहते थे कि मेरे तन से जागनी हो। राजी ने 69 पातियों का भी जवाब नहीं दिया और स्पष्ट कर दिया कि जो मैंने निर्णय किया है वही होगा। जब अक्षरातीत की मेहर गादी पर नहीं हो सकती तो आज क्यों उन गादियों की मत्ता होती है जो ट्रस्ट के द्वारा संचालित होती है। ब्रह्मवाणी सिंहासन पर विराजमान है। ब्रह्मवाणी का कथन अंतिम कथन है। ब्रह्मवाणी के विपरीत चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, कितना भी बड़े स्थान का मालिक क्यों न हो, उसका कथन यदि वाणी के विपरीत जाता है तो कभी भी स्वीकार नहीं हो सकता। हाँ ये जरूर है, धर्म की गतिविधियों को चलाने के लिए किसी के नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन उसका नेतृत्व ब्रह्मवाणी के अनुकूल होना चाहिए। इसलिए वाणी में कहा है सिरदार कैसा हो, किरंतन में इस पर प्रकाश डाला गया है कि सुंदर साथ को रास्ता दिखाने वाला
प्रमुख व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सबके हृदय को जीत ले और सबको अपने प्रेम की सुगंधि से वास्तविक सत्य का प्रकाश करे। जैसे श्यामा जी सब सुंदर साथ को प्रेम के रस से सींचती हैं और उधर राज्य को भी रिझाती हैं, वैसे ही जो पथ प्रदर्शक हो सुंदर साथ में आत्मिक दृष्टि रखे, किसी से भेदभाव न रखे और सबको प्रेम के रस में डुबोते हुए परम धाम की राह बताए। अब सबने सुंदर साथ ने एक स्वर से निर्णय किया कि आज से हम कभी भी गद्यपति बिहारी जी महाराज को प्रणाम करने के लिए जामनगर नहीं जाएंगे। और सूरत में सबने एकत्रित होकर के भाई जुराज जी को श्री जी के बगल में बैठाया और उनके साथ आरती की, उनकी आरती उतारी। वृतांत मुक्तानी में ये वर्णन लिखा है कि भाई जुराज जी को भी बिठाया, मूल बीतक में ऐसा नहीं है। अब सबने एक स्वर से घोषणा कर दी, उधर सूरत में कुछ और घटनाएं घटती हैं। लालदास जी की बहुत सत्ता हो सकता है क्योंकि लालदास जी जिनका अभिनाम सेठ लक्ष्मण दास है माया में रले हैं। लक्ष्मण दास जी का 99 जहाजों से व्यापार चल रहा है, उनको जागनी कार्य में लगाना है, राजी क्या करेंगे, उनको माया से अलग कर देंगे। जो साहेब संकुल हो ही तो दुख हो वे तिन, इस दुनिया में जाकर दुख न लिया के। राजी की सबसे बड़ी कृपा होती है, एक ही दिन में सारे जहाज डूब जाते हैं और उसी दिन गोदाम में आग लग जाती है, कुछ भी उनके पास नहीं रहता। लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, कुछ भी नहीं बचता। जो घर के आभूषण थे सब बेचने के बाद भी देनदारों की देनदारी नहीं दे पाते हैं। उनका मूल निवास कहाँ था, पोरबंदर, ऐसे रहते थे ठंडा ठट्ठा नगर में, व्यापार उनका ठट्ठा नगर में था, लेकिन उनकी जन्मभूमि पड़ती थी पोरबंदर, जिसको सुदामापुरी प्राचीन काल में कहा जाता था। वहां पर जाकर उन्होंने कुछ जागनी का प्रकाश फैलाया होता है और वहीं पर काफी उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा होता है। जब चल देते हैं उनके मन में प्रण होता है, जब तक बिहारी जी महाराज का मैं दर्शन नहीं करूंगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। जो उनके लेनदार थे, कितना भी बड़ा करोड़पति अरबपति खरबपति क्यों ना हो व्यापारी, उसको कुछ लोगों से लेना होता है, कुछ लोगों से को देना होता है। सारा धन तो डूब गया, परिणाम क्या होता है, जिस पूंजी से वो दे सकते थे वो पूंजी ही नहीं रही तो देंगे कहां। पहले उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन आभूषण वगैरह सब कुछ बेचने के बाद देनदारों का बकाया नहीं पूरा हो सका। अब जब कुछ नहीं होता तो मनुष्य क्या सोचता है, अब तो खाली निकल चले। जिनको पैसा लेना था उन्होंने नजर गड़ाई रखी थी कि कहीं ये भाग न जाए। सबको मालूम था कि इनका मुख्य स्थान कहाँ है, जामनगर, और इनको वहां जाने नहीं देना है। हर जगह अपने आदमी खड़ा कर दिए थे, मगरोल पाटन पहुंचे, दीप बंदर पहुंचे, वहां से जाना चाहते हैं जामनगर, लेकिन उनके जो लेनदार थे जिनको पैसा देने था उनके आदमियों ने कहा कि नहीं सेठ जी, आप जामनगर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां जाओगे अब बन जाओगे विरक्त, तो परिणाम क्या होगा, हमारा तो पैसा डूब जाएगा। इसलिए आप सूरत भले ही जाना हो सूरत जा सकते हैं, जामनगर नहीं जा सकते। लालदास जी को क्या पता था कि सूरत में मेरी प्रतीक्षा हो रही है, अब मजबूर होकर उनको सूरत में जाना पड़ा था। और इसी सूरत में कितने तूफान हो चुके थे, बल्भाचार्य मत वालों का इतना विरोध झेलना पड़ा था कि उनके अनुयायियों ने प्रचलित क्या कर दिया था, ये तो चूहियों का धर्म है, धर्म उंदरियो पैदा हुयो। क्या कहते थे बल्भाचार्य मत के लोग, किसी को रोकने के लिए तरह तरह की अफवाहें करते थे कि इन लोगों का दिया हुआ कभी भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका दिया हुआ खा जाओगे तो समझ लेना तुमने चूहे का जूठन खा लिया। ये लोग क्या करते हैं, चूहे के पैर में घुंघरू बांध देते हैं और पर्दा कर देते हैं, भोग लगाते हैं, कहते हैं कि आओ जी मनमोहन पारे, प्यारे जब चूहिया चलती है तो घुंघरी
उसके घुंघरू की आवाज बजती है, कहते हैं कि कृष्ण जी आ गए हैं, भोग खा रहे हैं, यानी जो इनका प्रसाद खा लेगा वो चूहे का जूठा खा जाएगा। ऐसी ऐसी बातें कहकर सबको रोक देते थे कि कोई श्री जी की चर्चा सुनने ना जाए। ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, चर्चा सुनने न दी जाए, ये कितना बड़ा अपराध है। ब्रह्मज्ञान का प्रकाश यदि आप किसी को कर देते हैं, न जाने बेचारा कितने जन्मों से माया के अंधकार में भटका होता है, वह सागर से पार हो जाता है। आप किसी को 1,00,000 रुपया देंगे तो भी वो खर्च हो जाएगा, भोजन देंगे तो भी खर्च हो जाएगा, लेकिन जिसके हृदय में ज्ञान की ज्योति आपने जला दी वो तो महासागर से पार हो गया। और कोई ज्ञान ग्रहण करना चाहता है, आप किसी लोभवश उसको ज्ञान ग्रहण नहीं करने दे रहे हैं, इस पाप का क्या प्रायश्चित हो सकता है। आपने तो उसके अखंड सुख पर लात मार दी, आप उस बेचारे को अंधकार में भटकाने का पाप लेते हैं। इसलिए जो जहां से ज्ञान प्राप्त करना चाहे उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। बल्वाचार्य मत के अनुयायी ऐसे ही करते हैं। अब लालदास जी द्वीप बंदर से सुहाली घोगा द्वीप बंदर से होते हुए पुनः सूरत आते हैं, श्री जी के चरणों में आते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री जी देखते ही आनंदित होते हैं, आखिर आ ही गए, क्योंकि जब तक माया में सुख था सेठ लक्ष्मण दास अपना व्यापार छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। डॉक्टर अपना डॉक्टरी पेशा नहीं छोड़ सकता, वकील अपनी वकालत का पेशा नहीं छोड़ सकता, व्यापारी अपना व्यापार नहीं छोड़ सकता, लेकिन राज्य को जिससे सेवा करानी होती है ऐसी स्थिति बना देते हैं कि मजबूर होकर उसको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सेठ लक्ष्मण दास जिनके अंदर आसवाई की आत्मा है, जागनी का दाया हाथ बनना है श्री जी का उन्हें, वो व्यापारी करते रहते तो कहां से काम हो सकता था। इसलिए राज्य ने ऐसी लीला की, कहां थे करोड़ोंपति और एक ही दिन में क्या बना दिया, कंगाल, कुछ नहीं, एक लोटा भर नहीं रहा कि रास्ते में पानी पीने के लिए भी कुछ लेकर के चले। श्री जी के चरणों में आते ही कहते हैं, दोपहर का भोजन का समय है, श्री जी कहते हैं कि लालदास जाओ भोजन करो, कहते हैं कि नहीं, मैंने प्रण किया है कि जब तक अधिपति बिहारी जी महाराज का दर्शन नहीं करूंगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। श्री जी कहते हैं कि तुम्हें अब वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम अक्षरातीत के चरणों में आ चुके हो। पहली बार कहा श्री जी ने अपने मुखारविंद से कि तुम्हारा प्रण पूरा हो गया। इसके पहले क्या कहते थे, अक्षरातीत धाम धनी गादी पर विराजमान है, जाओ उनको दर्शन करके आओ। अब जब सब सुंदर साथ ने उनको पहचान लिया, एक स्वर से आरती उतारी, पहली बार ये मुख से शब्द निकाला, अन्यथा रास में प्रकाश में खटती में कलश हर ग्रंथ में वाणी के द्वारा संकेत कर रहे हैं लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा है। प्रकाश में अधिकतर प्रकरणों का सार यही है, ये चौपाई बार बार आएगी, सात माहे अपर माहे बैठा कहे पर सात माहे कोई बिरलो रहे, हमारे बीच बैठकर कह रहे हैं लेकिन कोई सुंदर साथ उनकी पहचान कर पा रहा है। रास में भी कह दिया, अपन हजी नथी उलख्या जो बिचारी मन विविध पेरे समझाविया अनेक कहे निधितार्थम, अनेक तरह से राज्य ने हमें समझाया लेकिन कोई अक्षरातीत की पहचान नहीं कर पा रहा है कि जो देवचंद जी के अंदर विराजमान होकर राज्य लीला कर रहे थे वही श्री मिहिराज के अंदर विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। पहली बार अक्षरातीत ने लालदास जी को कहा और लालदास जी सुंदर साथ के साथ भोजन करते हैं। अब समाज में भ्रांति फैलाई जाती है, स्थानों की महिमा गाई जाती है, स्थानों की महिमा तभी तक है जब तक वहां से ज्ञान का प्रकाश होता है। यदि ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तो वाणी तो हर जगह है, वाणी क्या है, अक्षरातीत का वांग्मय स्वरूप, आरती अंग चतुर्दश के रही पांचों स्वरूप में एक मेरी, हमारा दिल क्या है, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है इत आय करो आराम। श्री जी जिनके स्वरूप में स्वयं अक्षरातीत लीला कर रहे हैं उसके बाद कभी भी नौतनपुरी नहीं गए, यानी अहमदाबाद से जाने के बाद 1722 से में द्वीप बंदर पहुंचते हैं, 1718 के बाद 1751 तक कभी भी श्री जी नौतनपुरी नहीं गए।
आज कहा जाता है कि ये आपका गुरु स्थान है, ये आपका गादी स्थान है। गादी से सबको बांधा जाता है, वाणी से नहीं बांधा जाता, यही भूल है। हम जिस स्थान से जुड़े हैं उसकी वृद्धि करनी चाहिए। सभी जितने स्थान है, आश्रम है, मंदिर है, सबका विकास हो, लेकिन जबरन कहा जाए कि नहीं इस स्थान को छोड़कर आप कहीं और नहीं जा सकते, कहीं और चले जाने पर दंडित किया जाता है, ये धर्म का सिद्धांत नहीं है। धर्म कहता है जहां से ज्ञान मिले उस ज्ञान की किरणों को अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। अच्छातीत का निवास कहां है? ब्रह्मणियों का हृदय। यदि हम सुंदर साथ के धाम हृदय में बैठे हुए अक्षरातीत को पहचान नहीं सकते, केवल गादी की महत्ता बताएंगे, और गादी पर कौन बैठता है? जिस पर ट्रस्ट की कृपा हो, जिस पर ट्रस्ट की कृपा न हो वो व्यक्ति कभी गादी पर नहीं बैठ सकता। आज गादी की महिमा गाई जाती है, अक्षरातीत की महिमा नहीं गाई जाती। इसलिए वाणी में कहा है, बड़ी बड़ाई हो सी पर उमराओं के अधीन। वाणी की तो महिमा होगी, लेकिन वाणी के सिद्धांतों का प्रचलन किसके आधार पर होगा? जो गांधीपति होंगे उन्हीं के निर्देशन में सारा समाज चल रहा होगा। वर्तमान में यही देखा जा रहा है कि सुंदर साथ वाणी से मूल स्वरूप से हट चुका है, प्राणनाथ जी को नहीं मान रहा है। वो प्राणनाथ जी को संत, कवि और महापुरुष के दृष्टि से देख रहा है। धामधनी ने क्या कहा है? नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बोझ, तीन साहिब कर पूजिया अर्श का एक कुछ। जिसने प्राणनाथ जी को पहचाना वो साक्षात अक्षरातीत के रूप में पहचाना। आज प्राणनाथ जी को एक आचार्य बना दिया जाता है, उनकी गादी पर बैठने वाले यही मानते हैं कि हम प्राणनाथ के बराबर हैं। देवचंद जी को भी निजानंद स्वामी को एक आचार्य बना दिया जाता है, उनकी गादी पर बैठने वाले सोचते हैं कि हम देवचंद जी के बराबर हैं। कोई दूजा मर्द न काम ही एक मेहदी पाकपुर। धामधनी श्री प्राणनाथ जी को जो शोभा मिली है वो शोभा किसी को नहीं मिल सकती, इसने स्पष्ट कर दिया है। तारीफ मोहम्मद मेहदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है, कई हुए कई हो सी पर किन ब्रह्मांडो न है। श्री प्राणनाथ जी की महिमा के बराबर अब तक न हुआ है, न कोई है और न कभी होना होने वाला है। ऐसा स्वरूप न ब्रज में, न रास में और न जागने के ब्रह्मांड में कोई हुआ है, न कभी होने वाला है। इसलिए वाणी के कथन को अंगीकार करना चाहिए। प्राणनाथ जी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। दुख तो तब होता है जब ये बात कही जाती है कि जो प्राणनाथ जी ने नहीं किया वो हमने कर दिया, जो प्राणनाथ जी से वाणी नहीं खुली हमने खोल दी। प्राणनाथ जी ने 12,000 पाठ नहीं रखवाए, हमने रखवाए। कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी शक्तिशाली हो जाए, आखिर वो प्राणनाथ के चरणों की छत्र छाया में आकर ही होगा। प्राणनाथ को अपने से छोटा बनाना ऐसा अच्छा अपराध है जिसका कोई भी प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसने क्यामत नामा में साफ कर दिया है, इन मोती का मोल कहियो न चाहे, ना किन्हो कानों सुनाए, सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल गए। प्राणनाथ की महिमा को जो शब्दों में आंकता है वो प्रायश्चित का भागी होगा, और जो उनकी निंदा को सुनकर चुप रहता है वो भी प्रायश्चित का भागी होगा। जब हम अपने पिता की निंदा नहीं सुन सकते, अपने गुरुदेव की निंदा नहीं सुन सकते, अपने पद की निंदा नहीं सुन सकते, तो अक्षरातीत प्राणनाथ की जहां निंदा हो, जहां उनको संत बनाया जाए, कवि बनाया जाए, राष्ट्रीय संत बनाया जाए, महापुरुष बनाया जाए, हमें शालीन तरीके से उसका प्रतिकार करना चाहिए। यदि हम प्रतिकार भी नहीं कर सकते तो वहां से हट अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि पतिव्रता का एक ही धर्म होता है, या तो अपने पति की निंदा को रोके, यदि रुकने की सामर्थ्य नहीं है तो वहां का परित्याग कर दे। आज समाज को समझना होगा कि जब तक प्राणनाथ जी की महिमा नहीं फैलेगी, प्राणनाथ जी को हम उजागर नहीं करेंगे, हम कभी भी जागृत हुए नहीं कही जा सकते। अब इस सूरत से 500 सुंदर साथ लगभग घर द्वार छोड़कर हमेशा के लिए चल देते हैं। इसी सूरत में आवासीय बंदर से गोवर्धन जी भी आ जाते हैं और घर द्वार बेच करके अपना सारा धन सुंदर साथ की सेवा में लगाने लगते हैं। जो खर्च होता है सारा खर्च अपने ऊपर उठा लेते हैं। जागनी का प्रवाह चलता है। कैसे कैसे 500 सुंदर साथ की जमात आगे बढ़ती है आप सुनेंगे कल चर्चा। हजरते हज इत करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की कोच करी दारुल बका। अब छपाई दुबई
श्री महामति कहे ए मोमिनो श्री महामति कहे मोमिनो ए सरत करो याद ए सरत करो याद फिर लाल आगे की कहूँ फिर लाल आगे कहूँ जो झगड़े को बुनियाद जो झगड़े को बुनियाद